हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पुलिसी एकेडमी पर। हमारे कई सारी क्लासेस मिस हो गई हैं। लगभग एक हफ्ते पहले हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाना था। एक्चुअली क्या था, एक टेक्निकली दिक्कत आ रही थी। आप सभी को पता है, आप सभी में बहुत ज्यादा पेशेंस है, आप बहुत प्यारे बच्चे हो, आप चीजों को समझते हो। आई होप, मैं आशा करूंगा कि अब ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आने वाले टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। दिन रात हमने कोशिश की है उस चीज को ठीक करने की, और कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत है। धीरे धीरे चीजें बेहतर होंगी। आप समझते हैं, समझदार हैं, बच्चे नहीं हैं, आप चीजों को समझेंगे। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज, आप इस वीडियो को बाहर कहीं भी आते जाते या ऐसे ही मत देखिएगा। इस लेक्चर को आपको कंप्लीटली देखना है, जैसे आप अपनी क्लासरूम में कहीं जब आप कोचिंग लेते हैं वहां जाकर देखते हैं चीजों को, जिस तरीके से समझते हैं वैसे ही अंडरस्टूड करते हैं। रीजन क्या है, होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हम चीजों को देखना स्टार्ट कर देते हैं, आप रैंडमली इसको कहीं भी देख रहे होंगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी एक आदत बन जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और अगर वो आपकी एक आदत बन गई, फिर आप इस कोर्स की अहमियत को बिल्कुल खत्म कर देंगे। आपको करना क्या है, आपको इस चीज को बहुत इत्मीनान से देखना है। आपके पास सुबह टाइम नहीं है, वीडियो अभी बिल्कुल मत देखिए, आप इसको शाम को देखिए। आपको रात का टाइम है, आप दिन में जॉब करते हैं, वर्किंग है, बिल्कुल मत देखिए। क्या जरूरत है लाइव सेक्शन या रिकॉर्डिंग सेक्शन जिस समय आया है उसी समय देखने की? आपके पास जब टाइम हो आप जब देखिए। देखिए, चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है तो इसका फायदा उठाइए। ऑनलाइन का सबसे बढ़िया फायदा यही है कि आप इसको अपने कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन जहां इंसान को कंफर्ट मिलना शुरू हो जाता है, वहां पर हम चीजों को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। क्या इस बात को आप समझते हैं? तो आशा करता हूं कि आप मेरी इन बातों को समझेंगे। हमेशा जब भी लेक्चर स्टार्ट होगा, अपनी नोटबुक साथ में रखेंगे, चीजें साथ में रखेंगे, चीजों को नोट डाउन करेंगे। ये नहीं कि आपको बस चीजें देखनी है और समझनी है, आपको देखनी है चीजें। फिर कुछ अगर टेक्निकल इश्यूज आते हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है, तो उसको आप हमारे जो ऑफिशियल नंबर है उस नंबर पर आप हमें बताना, चीजों को हम स्टार्ट करते हैं। तो CISF हेड कॉन्स्टेबल का ये हमने ऑनलाइन बैच निकाला है। आप सभी के पास इसकी कंप्लीट एक बेसिक नॉलेज है। मैं फिर भी आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। हम पुलिसिया अकेडमी से हैं, हमारे ऑफलाइन बैचेस चलते हैं दिल्ली में, ठीक है? और ये ऑनलाइन बैच हमने पहली बार ही निकाला है, पहली बार ही हम ऑनलाइन शिफ्ट हुए हैं। यूट्यूब पर हमने अभी अभी चैनल बनाया है, चीजें बिल्कुल नए तरीके से चल रही है, इसलिए हमें टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। कई बच्चों की क्वेरीज आई थी, मैंने उन्हें पर्सनली समझाया भी है, बच्चे समझते भी हैं, काफी समझदार हो आप। तो हमारा HCM का 2019 में जो आपका CISF का हुआ था, इसका आपका फिजिकल क्लियर था, उसी की हम तैयारी करेंगे। कंप्लीट ऑनलाइन बैच है, आपको सारी चीजें बहुत बेहतरीन ढंग से कराएंगे। आप चीजों को देखेंगे और इन चीजों को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। हम अपना इंट्रो देते हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं दिल्ली में। ये हमारा दिल्ली पुलिस का जो कॉन्स्टेबल का एग्जाम हुआ था, ये हमारा उसका बैच है। काफी अच्छे तरीके से हमने इस बैच को चलाया था। लगभग 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑफलाइन हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने बच्चों को काफी हार्ड कॉपी मटेरियल प्रोवाइड कराया था। एक्चुअली हमारा क्या है, पुलिसिया एकेडमी का हमारा अपना कॉन्सेप्ट है कि हम चीजों को बहुत यूनिक तरीके से पेश करते हैं। आपको हर हफ्ते मॉक टेस्ट लेंगे हम आपका, ठीक है? आपको कंटेंट जो है वो PDF के, आप हमसे हार्ड कॉपी नहीं ले सकते जेरोक्स, तो हम आपको उसकी PDF फॉर्म्स वगैरह देंगे। आप उसमें कहीं ना कहीं उन चीजों को कवर कर रहे हो, सिलेक्टेड चीजें हम आपको कराते हैं। ये हमारा दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का ऑफलाइन बैच था, ये उसकी पिक है। ये हमारा CHSL का बैच था, ये और ये बैच अभी हमारी यहाँ पर क्लासेस चलती है दिल्ली में, जनकपुरी में क्लासेस चलती है। कई बच्चों की इंक्वायरी आती है तो उनको भी ये चीजें बताऊंगी। अगर हम आपके कोर्स की बात करें, आपकी चीजों की बात करें, तो ये CISF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल का ऑफिशियल नोटिस है। आप सभी इस नोटिस को पढ़ चुके होंगे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, जिनको नॉलेज नहीं है, मैं इस नोटिस को आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि चीजें किस तरीके से चल रही हैं, कैसे चीजें काम करेंगी। CISF HCM का ये ऑफिशियल नोटिस है। बहुत से बच्चे हैं मेरे से क्वायरी करते हैं, सर क्या कितने नंबर की चीजें आएंगी, चीजें कैसे चलेंगी? देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप IAS IPS की तैयारी करें, अगर आपको उसका अंतर ही नहीं पता, आपको उसमें डिफरेंस ही नहीं पता, तो आप किस तरीके से सोच सकते हैं कि मैं बेहतर तैयारी करूंगा? कोर्स तो हम स्टार्ट कर देंगे, चीजें तो हम बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे, लेकिन आपके पास उसकी कंप्लीट नॉलेज तो होनी चाहिए। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपसे कोई पूछ ले, आपके रिश्तेदार में पूछ ले, आपकी फैमिली में पूछ ले,
किस चीज का फॉर्म भरा आपने, किस चीज की तैयारी कर रहे हो, आप बोलोगे CISF की, अच्छा क्या क्या आता है उसमें, कितने नंबर का क्या आता है, पूछने लग जाते हैं। आपके पास एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। एज अ टीचर मैं ये समझता हूँ कि आपको नहीं पता तो मैं वो चीज आपको बताऊंगा। ऑफिशियल नोटिस है, उसी के आधार पर हमने अपनी चीजें तैयार करी हैं और उसी के आधार पर हम चीजों को चलाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, चीजों को देखना शुरू करते हैं। एक कॉपी पेन हमेशा बनाना, अपनी नोटबुक हमेशा रेडी करना। आपको क्या क्या चीजें रखनी है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको एक रखना है क्या, अपनी नोटबुक, हमेशा अपने साथ नोटबुक रखना, लेकर बैठना, चीजों को इस तरीके से देखना कि हम आमने सामने बैठे हुए, ऑफलाइन बैचेस की तरह चीजें चल रही है, उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे पढ़ाने का सेंस भी वही है, मैं चीजों को उसी तरीके से कराता हूँ, ठीक है। तो इस चीज को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं CISF हेड कॉन्स्टेबल का रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है, किस तरीके से चीजें चलेंगी। मैं आज की इंट्रोडक्शन क्लास में आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा, हमारा कैसे कोर्स चलेगा, क्या सिलेबस है, डिटेल में सिलेबस बताऊंगा। आपको नोट डाउन करनी है सारी चीजें। अगर आप इस वीडियो को ऐसे ही देख रहे हैं, नोट डाउन नहीं कर रहे, तो बिल्कुल भी आपके लिए यूजफुल नहीं है। इसलिए वीडियो को पॉज करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, चीजों को नोट डाउन करिए, एक एक चीज को नोट डाउन करना है आपको, ठीक है। और ये पूरा फॉर्मेट आपको हमारे ऐप पर मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, वो भी मिलेगा, लेकिन आपको खुद से लिखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। 2019 में इसका PFT हो गया था। अब सर PFT क्या होता है, PFT जिसमें आपका मेजरमेंट वगैरह होता है। आप सभी वही बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने PFT को क्लियर कर रखा है, मतलब आपने पहला पड़ाव क्लियर कर दिया। मैं आपको सारे प्रोसेस बताऊंगा इसका, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे चीजें चल रही है। आपने PFT क्लियर कर दिया, वहां पर आपका डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ था, ठीक है। और वहां पर दो तरह के बच्चों को छांटा गया था, दो चीजें वहां पर क्लियर की गई थी। क्या, दो बच्चे थे सर, पहले बच्चे वो थे जिनको वहां से नोटिस मिला था, एक लेटर मिला था, क्लियर है। और दूसरे टाइप के बच्चे वो थे जिन्हें वहां से कोई नोटिस वगैरह नहीं मिला था, उनकी चीजें क्लियर हुई और उनको भेज दिया गया। ये बच्चे कौन से थे जिनको वहां पे लेटर मिला था, ये बच्चे वो थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, हाइट में रह गए, वेट में रह गए, ठीक है, किसी भी चीज में रह गए, चेस्ट कंप्लीट नहीं थी, उस चीज में रह गए। तो उन बच्चों को वहां एक लेटर मिला कि आप डिस्क्वालीफाई हो और आपका सिलेक्शन आगे नहीं होगा, आपकी प्रोसेस नहीं चलेगी। बाकी के जितने बच्चे थे जिनको ये चीजें नहीं मिली, आप सारे वही बच्चों, आपको वो लेटर वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिला होगा। अगर किसी बच्चे को मिला है तो वो सिलेक्ट होने का ही मिला होगा, आई होप, ठीक है। तो दो तरीके की चीजें थी, PFT आपने क्लियर करा, वहां डॉक्यूमेंटेशन हुआ, आपका डॉक्यूमेंटेशन आगे फिर होगा, वो चीजें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। PFT आप लोगों ने क्लियर कर दिया, ये हमारा पहला प्रोसेस था। अगर उसी चीज की बात करें हम आगे, अगली चीज आती है आपकी रिटर्न एग्जाम, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आपने पहला पड़ाव पार किया, आपने PFT क्लियर किया, सेकंड है आपका रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट क्या है, अब देखिए दो बातें हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर जो इसका एग्जाम है वो OMR पर होगा, कहने का मतलब आपको एक चीट मिलेगी, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को फेल करने होंगे, कंप्यूटर पर पेपर नहीं होगा। लेकिन आप लोग गलत है। आज का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं उसका जो PDF है वो भी आपको ऐप पर प्रोवाइड कराऊंगा, आप चीजों को देखना। उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो या तो OMR पर होगा या तो कंप्यूटर बेस्ड होगा। अभी कंफर्म नहीं है कि वो किस चीज पर होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं। आपको तैयार रहना है दोनों ही चीजों पर। आप खुद देखिए, कोरोना जैसी सिचुएशन है, वैसे ऑफलाइन ही होता है जहां तक पॉसिबिलिटी है, जहां तक चीजें हैं, इसका ऑफलाइन ही होगा। लेकिन सिचुएशन है पैंडेमिक की, कोरोना की वो है, तो इसमें ऑफलाइन पेपर लेना बहुत ही मुश्किल सा हो जाता है, इसलिए शायद ऑनलाइन ले। दोनों ऑप्शंस है, उन्होंने क्लियर दी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें दोनों बातें मेंशन है कि आपका एग्जाम OMR बेस पर भी हो सकता है और कंप्यूटर पर भी हो सकता है। आपको रेडी रहना है दोनों चीजों पर। मैं आपको हर हफ्ते जो मॉक टेस्ट दिया करूंगा, आप OMR शीट पर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि कंप्यूटर बेस्ड कोई मॉक टेस्ट भी एक अरेंज कर पाऊं, जिससे आपकी उस पर भी प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर है, वो चीजें धीरे धीरे चलेंगी। आप जुड़े रहिए, आपको बेहतरीन से बेहतरीन कोर्स देंगे, ऐसा कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा जिस तरीके से आप यहाँ चीजें कर रहे होंगे। रिटर्न क्लियर करेंगे आप, रिटर्न में आपकी दो चीजें चलेंगी, OMR बेस पर हो सकता है आपका, नहीं तो कंप्यूटर बेस पर हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कि सर कितने नंबर का क्या आएगा, क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी, किस तरीके से चीजें आपकी चलेंगी, क्या पूछा जाएगा। मैंने आपका कंप्लीट ओवरव्यू लिखा है, ये आपको अपनी कॉपी पेन लेकर उसको लिखना है, इस चीज को सभी बच्चों को लिखना है, इस चीज को कि आपका जो रिटर्न टेस्ट है कितने नंबर का, वो क्या चीज आएंगी। अगर आपको पता है, आप बोलोगे सर मुझे तो पता है, जिन बच्चों को पता है उन्हें भी लिखना है। आप चीजें स्टार्ट तो करो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा, जिस बच्चे का लेवल जहां पर कैच हो जाएगा उसी को कैच कर लेना। भाई आपको कुछ भी नहीं पता, मैं वहीं से लेकर स्टार्ट कर रहा हूं,
आपको वो चीजें पता है, धीरे धीरे चलो एक ऐसा लेवल आ जाएगा जहां आपका लेवल मैच हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना है, चीजों को बहुत बारीकी से समझना। आपको ये पहली इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं मानता हूं कि किसी भी, मेरा कोई भी बैच होता है, उसकी जो इंट्रोडक्शन क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंट्रोडक्शन क्लास कभी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाता है कैसे हमारी चीजें चलेंगी, किस तरीके से चीजें होंगी। आपके रिटन टेस्ट की बात करूं, जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग के लिए आपकी 25 नंबर की आएगी रीजनिंग, ठीक है, जिसमें आपके 25 ही क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज जीएस, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स हो गई, साइंस हो गई, हिस्ट्री, पॉलिटी, इतिहास, ठीक है, राजनीति, ये सारे आ जाते हैं, 25 नंबर की रहेगी आपकी। अरिथमेटिक, अरिथमेटिक या मैथ्स, अब देखिए इसने क्लियरली मेंशन करा है इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है, अरिथमेटिक, ठीक है, इसमें एडवांस के क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाएंगे। अरिथमेटिक है मतलब आपकी बेसिक कैलकुलेशन को चेक करना चाहते हैं, अरिथमेटिक है, ये भी 25 नंबर की है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या है, मतलब बहुत से बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, इसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। आपका जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब क्या है, या तो आप उसको इंग्लिश में देंगे या तो आप उसे हिंदी में देंगे, वो भी आपका 25 नंबर का होगा। इन चारों को मिला देंगे तो आपका कितना बनेगा, 100 नंबर का पूरा पेपर आएगा। सर पेपर का टाइम क्या रहेगा, 2 आवर टाइम रहेगा। बहुत से बच्चों के मेरे पास कॉल आए थे, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं सर क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 100 की 100 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसकी नहीं है। चलिए अब जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको वो चीज देखना है और उस चीज को समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इंग्लिश का और हिंदी का ये जो चौथे नंबर पर ये जो पॉइंट है आपका इंग्लिश हिंदी, इसमें कंफ्यूजन क्या है, बच्चे कहाँ कंफ्यूज करते हैं, वो चीज देखिए। इंग्लिश में और आपके हिंदी में, ये आपने जब फॉर्म भरा था उस समय कुछ भी हिंदी इंग्लिश आपको क्या लेना है वो चीज डिसाइड नहीं हुई थी। जब आप अपना पेपर देंगे तो उसमें एक माध्यम चूज करना होगा आपको कि आप जो आपका फोर्थ पोर्शन है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक, आप इन क्वेश्चन को किस चीज में, हिंदी में या इंग्लिश में, किस में आप इसको करेंगे। अगर आपने वहां पर हिंदी चूज कर दिया तो आपके 76 से लेके 100 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे उनके आंसर हिंदी में सही हो रहे होंगे। अगर आपने वहां इंग्लिश को चूज कर दिया तो आपके जो क्वेश्चन है वो 76 से लेकर 100 तक वो किसमें जा रहे होंगे, इंग्लिश के हिसाब से चेक हो रहे होंगे। अब बच्चों का एक और डाउट बनता है जो मुझे लगता है कि वो भी आपको क्लियर कराना चाहिए, चीजें बतानी चाहिए। देखिए सेकंड डाउट बच्चों को क्या आता है कि सर मैं हिंदी तो नहीं कर पाता, बहुत से जो नॉर्थ के बच्चे हमारे, कई बच्चों की दिक्कत है, मैं हिंदी नहीं कर पाता, जो मेरा चौथा सब्जेक्ट मतलब जो ऑप्शनल है 76 से लेकर 100 नंबर तक जो मेरे क्वेश्चन आएंगे वो तो मैं इंग्लिश में करूंगा, लेकिन ये जो बाकी के 25 से लेकर ये जो नंबर है, ये 75 नंबर का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो आपको इंग्लिश में दिखे, मैं उसको इंग्लिश में करना चाहता हूँ। रीजनिंग को मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ, जीएस को मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन जो फोर्थ सब्जेक्ट है उसको मैं हिंदी में करना चाहता हूँ, या जो बच्चे उसको इंग्लिश कर रहे हैं और बाकी की चीजें इंग्लिश में हिंदी में करना चाहते हैं, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए कोई भी वो नहीं है कि अगर आपने चौथा सब्जेक्ट अपना हिंदी लिया है तो बाकी के जो तीनों है वो भी आपको हिंदी में ही दिखेंगे, नहीं। क्लियरली उसमें ऑप्शन होगा, मेंशन होगा चीजें, ऑफलाइन है तब तो दोनों चीजें आपको दिख रही होंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। अगर ऑनलाइन मोड पर आपका एग्जाम होता है तो ऑनलाइन मोड पर कैसे दिख रहा होगा, क्लियरली एक ऑप्शन होता है कि आप अपनी लैंग्वेज को उससे चेंज कर सकते हैं। आप अगर हिंदी में पेपर कर रहे हैं तो उसको इंग्लिश में स्विच कर दीजिए, इंग्लिश में कर रहे हैं उसे हिंदी में स्विच कर दीजिए। इस तरीके से चीजें चलती हैं। ये ओवरव्यू लिखना आपको बहुत जरूरी है, एक बहुत बेसिक सा था। अभी हम डिटेल में बात करेंगे सिलेबस को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, किस तरीके से हमारा बैच चलेगा आगे, ठीक है। जैसे ही आप अपना रिटर्न क्लियर कर देंगे, रिटर्न क्लियर करने के बाद आपकी होगी टाइपिंग। टाइपिंग में बच्चों का सबसे बड़ा सवाल आता है सर के टाइपिंग के नंबर जुड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। देखिए आपके क्वेश्चन है मैं जिनका आंसर दे रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर अभी आपको नहीं मिला, आपको लगता है कि सर नहीं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम पर बताओगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके डाउट सुने जाएंगे, किस तरीके से हमारी चीजें चलेंगी, वो चीजें भी आगे प्लान है, इस चीज को समझते हैं। टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, केवल ये क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग मतलब केवल और केवल आपको इसको पास करना पड़ेगा। अच्छा आप टाइपिंग टेस्ट की दो चीजें आ जाती है, क्या आप टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश माध्यम में देंगे या हिंदी में देंगे? हिंदी में देंगे तो आपको जो टाइपिंग है हिंदी में करनी पड़ेगी, और जो आपकी स्पीड होगी वो 30 की स्पीड चाहिए हिंदी वालों के लिए, ठीक है, थोड़ी कम है। अगर बात करें इंग्लिश की, अगर आप इंग्लिश में दोगे तो आपकी जो स्पीड है वो 35 चाहिए इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। क्या इतनी सी बात क्लियर हुई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने रिटन एग्जाम में इंग्लिश ले लिया था, चौथा सब्जेक्ट जो था इंग्लिश में ले लिया था, तो आप यहाँ हिंदी में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बारीकियां हैं ये, आपको जानना बहुत जरूरी है, चीजें समझना बहुत जरूरी है। आपने सबसे पहले क्या क्या क्लियर करा भाई? सबसे पहले आपने करा फिजिकल क्लियर, जो कि आपका क्लियर है।
सेकेंड नंबर पर आपका क्या होगा अभी? सेकेंड नंबर पर आपका होगा क्या? रिटन एग्जाम, जो कि अभी आपका पेंडिंग है। थर्ड नंबर पे आपका क्या था? थर्ड पर होगा आपका क्या? टाइपिंग टेस्ट। जैसे ही आपका रिटर्न हो जाएगा अप्रैल में, ठीक है, उसके 1-2 महीने बाद ही आपकी टाइपिंग का आ जाएगा। और आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको गाइड करूंगा, अभी से ही आप टाइपिंग करने लग जाइए। बिल्कुल भी इंतजार मत करना कि सर रिटर्न हो जाएगा उसके बाद हम टाइपिंग करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जो भी बच्चे यहां से डिस्क्वालिफाई होंगे, जितने भी बच्चे हटेंगे, वो कहीं ना कहीं रिटर्न में नहीं हट रहे होंगे। रिटर्न में तो आप एक अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे। आपका अगर सिलेक्शन रुक रहा होगा, वो रुक रहा होगा टाइपिंग पर। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात शेयर कर रहा हूँ आपको, टाइपिंग पर आपका स्कोर जो है, टाइपिंग पर जो है आपका सिलेक्शन रुक रहा होगा। आपको करना क्या है, आपको चीजें क्या करनी है, अभी से स्टार्ट कर देनी है। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो वही अपना लीजिए, सुबह आधा घंटा टाइपिंग शुरू कर दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो एक और इसका सिस्टम होता है, जैसे कई बच्चों का फोन होता है, तो फोन में भी जो कीबोर्ड वगैरह उसको कनेक्ट करके चीजें उस तरीके से हो जाती है। अगर आप बोलोगे, बताओगे एक चीज, तो मैं इस चीज के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आऊंगा, वो चीज आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फोन से भी अपनी टाइपिंग, एक कीबोर्ड लाना पड़ेगा आपको, उस चीज में कनेक्ट करा और फोन से ही सॉफ्टवेयर में आप उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बहुत से बच्चे जिनके पास कंप्यूटर नहीं होगा, घर में होंगे आप लोग, तो नहीं अफोर्ड कर पाते, गाँव से लोग हैं, वो हैं, तो इतनी चीजें नहीं होती, तो आप जुगाड़ बिठा सकते हैं कहीं ना कहीं। मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको चीजें बताऊंगा, ठीक है, आप वो चीज मुझे बताएंगे। अच्छा सर, बताएं कहाँ आपको? ठीक है, तो आप लोग मुझे कहाँ बताओगे? आप लोग मुझे बताओगे टेलीग्राम पर। ठीक है, आपका जो टेलीग्राम का ग्रुप है, CISF हेड कॉन्स्टेबल पेड वाला जो टेलीग्राम का ग्रुप है, जिसमें आप सारे बच्चे ऐड हो, उस ग्रुप में जो चैट है उनको हम ऑन कर देंगे। पहली बात, उस ग्रुप की जो चैट होंगी वो मैं आपके लिए ऑन कर दूंगा। लेकिन रहेगा क्या, देखिए आपके जो बैच है, आपके बैच में लड़कियां भी हैं, ठीक है, आपकी हाँ उस बैच में अपने इसमें लड़कियां भी हैं, तो आपको ना मर्यादा का ध्यान रखना है, ठीक है। मर्यादा का ध्यान मतलब आप फ्लो फ्लो में मत निकल जाना, समझ रहे हैं मेरे, मतलब ये एक्सपीरियंस है। मैं आशा करता हूँ आप सारे अच्छे बच्चे हैं, चीजों को समझते हैं, तो आप उस चीज की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमसे कोई शिकायत है, कुछ वो आप पर्सनली बताइए। ग्रुप केवल एक ही चीज के लिए होगा, आपके डाउट के लिए, आपके बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन के लिए। आपका कोई डाउट आया, उसकी फोटो खींची, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, पिक खींची, ग्रुप में डाल दी। आपको कुछ रेलिवेंट पूछना है, ग्रुप में डाल दिया। उसमें बिल्कुल भी हाय हेलो गुड मॉर्निंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा मैं टीम को बोलकर उसको ब्लॉक करवा दूंगा। एक बार वो बच्चा ब्लॉक हो, दोबारा ग्रुप में ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना आपको इस चीज का। ग्रुप जो है बिल्कुल फॉर्मली चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है। उसमें आपको रिप्लाई भी विद इन एन आवर, आपको उसमें जो भी आपका डाउट होगा उस चीज को हम क्लियर करेंगे, चीजें उसी तरीके से चल रही होंगी। टाइपिंग का आपको क्लियर हुआ, इंग्लिश की जो टाइपिंग स्पीड है 35 रहेगी, हिंदी की टाइपिंग स्पीड 30 रहेगी, क्लियर है। और अगर आपको मोबाइल वाला देखना है कि कैसे मोबाइल पे टाइपिंग करते हैं, मुझे बताना, मैं उस चीज के लिए आपको बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जैसे ही आपने क्या क्या क्लियर किया, अभी आपने फिजिकल क्लियर कर दिया, आपका रिटन एग्जाम होगा आप उसे क्लियर कर देंगे, आपका टाइपिंग होगा आप उसे क्लियर कर देंगे, तीन पड़ाव पार करने के बाद लास्ट में आपका होगा क्या, मेडिकल टेस्ट, क्लियर है। मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, इस चीज के ऊपर हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। आज हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो, मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये चीजें होंगी। अगर आपको चाहिए कि सर आप मेडिकल का पूरा बताइए हमें, तो मैं उसको पूरा बताऊंगा आपको, समझ रहे। आपको पूछना है कि सर मुझे मेडिकल का पूरा बताइए, सर वो कंप्यूटर फोन में किस तरह से मैं टाइपिंग को सीख सकता हूँ, मुझे वो बताइए, मैं आपको वो चीजें बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है चीजों को लेकर, ठीक है। हम भी पहली बार जुड़े हैं, ऑनलाइन आए, और मैं आशा करता हूँ आप भी पहली बार ही मेरा बैच देख रहे होंगे, आप भी पहली बार ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे उससे, ठीक है, तो बेहतरीन ढंग से चीजें चलेंगी अपनी। जैसे ही आपने अपना फिजिकल क्लियर करा, रिटन क्लियर करा, आपने टाइपिंग क्लियर करी, चौथे नंबर पर हो जाएगा आपका मेडिकल, क्लियर है। आपको मेडिकल क्लियर करना है, मेडिकल क्लियर करोगे उसके बाद क्या आएगा आपका, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है फाइनल रिजल्ट कहाँ आएगा, सर SSC थोड़ा ना ले रहा है इसका एग्जाम, इसका जो आपका एग्जाम है वो CISF ले रहा है। आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो CISF की वेबसाइट पर मिलेगा, ये रही आपकी वेबसाइट, ठीक है, आपको नहीं पता होता, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, आपको बेसिक बेसिक जो छोटी छोटी बातें वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो कहाँ मिलेगा, CISF की इस ऑफिशियल साइट पर, ठीक है। आपका रिजल्ट वगैरह आएगा, हम खुद उस चीज को बता रहे होंगे, ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा। एक बात और समझनी बहुत जरूरी है, केवल और केवल जो 100 नंबर का आपका पेपर होगा उसी के आधार पर आपकी मेरिट लगेगी। क्या आप समझ पा रहे हैं, कहने का मतलब क्या था, 1, 2, 3, 4, आपने 4 पड़ाव पार करने हैं, जिसमें से पहला पड़ाव आप सभी पार कर चुके हैं, आपने बहुत सारे बच्चों को पीछे कर दिया है। दूसरा पड़ाव है आपका रिटन एग्जाम,
आपको वो पार करना है। तीसरा पड़ाव है आपका क्या, टाइपिंग टेस्ट, वो क्लियर करना है। चौथा पड़ाव है आपका मेडिकल, उसे क्लियर करना है। इसमें से जो आपका रिटन टेस्ट है यही मेन है। फाइनल रिजल्ट जो होगा, फाइनल मेरिट जो होगी, वो आपकी किसके आधार पर लगेगी, रिटन के आधार पर। क्लियर है? ये क्वालिफाइंग नेचर था, ये भी क्वालिफाइंग था और मेडिकल भी क्वालिफाइंग है। क्लियर है? तो हम चीजें इतने बेहतरीन ढंग से कराएंगे, अभी चीज आप समझोगे कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। फाइनल रिजल्ट जो है आपको कहाँ मिलेगा, सीआईएसएफ की ऑफिशियल साइट पर। लिखना है इस चीज को बहुत अच्छे से, ठीक है? चलिए, तो अपनी मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको एक ओवरव्यू दिया। किस चीज का ओवरव्यू दिया? आपके सीआईएसएफ एचसीएम के एग्जाम को लेकर। बात को बड़े ध्यान से समझना, मैंने अभी आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आपका एग्जाम का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या क्या चीजें आएंगी, किस किस तरीके से चीजें चल रही होंगी। अब मैं आपको अपनी चीजें बताता हूँ, जिस चीज के लिए आप हमसे जुड़े हैं, ठीक है? अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। कहने का मतलब, अब मैं आपके दूसरे काम पर फोकस करूंगा, मैं आपके दूसरे नंबर की जो चीजें हैं, कहने का मतलब पहला आपने फिजिकल क्लियर कर दिया, दूसरा आपका क्या है, रिटर्न। मैं अब आपको इसको बेहतर करूंगा, अब मैं आपको रिटर्न को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूंगा कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, किस तरीके से 3 से 4 महीने की तैयारी में ही आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है? तो इस चीज पे हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। जनरल इंटेलिजेंस मतलब आपके रीजनिंग रहेगी, सामान्य ज्ञान रहेगा, गणित रहेगी और अंग्रेजी और हिंदी में से एक सब्जेक्ट रहेगा जो आपको चूज करना होगा। क्लियर? अभी हम इन चीजों को काफी डिटेल में समझ रहे होंगे। अब आपको चीजें नोट करनी है, समझना है और आपको देखना है कि हाँ सर आपका क्या यूनिक चीज है, क्या यूनिक तरीके से आप लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट, समझना है आपको चीजों को। पूरा आपका सीआईएसएफ हेड काउंसलर का कोर्स मैंने अपने तरीके से डिजाइन करा है। आपका सीआईएसएफ HCM का ये जो कोर्स है, इसको मैंने अपने तरीके से डिजाइन करा है। कंप्लीट है कोर्स, देखिए इसका जो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस में केवल ये दे रखा है कि सर ये सब्जेक्ट आएगा, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, जीएस आएगी, ठीक है, और आपका हिंदी इंग्लिश में सिखाएगा। बिल्कुल भी कहीं पर भी ये ऑफिशियली मेंशन नहीं है कि ये टॉपिक्स आएंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जो हर बार आई हैं, पिछली बार सीआईएसएफ में आई थी, जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह बने हैं उनमें जो चीजें हैं वो सारी हम चीजें कवर कर रहे होंगे। किस तरीके से कवर कर रहे होंगे वो आप कर रहे होंगे पुलिसिया एकेडमी के स्टाइल में, ठीक है? आपको चीजें नोट डाउन करनी है। मेरा दावा है जैसे ही आप ये रीजनिंग पूरी कवर कर देंगे आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक सिंगल एक क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाए फिर आप बोलना कि सर आपने क्या पढ़ाया और कुछ भी नहीं आया। आपको चीजें इस तरीके से करनी है, जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे जो प्रैक्टिस सेट हम लगवाएंगे आपको वही लगाने हैं, जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे होंगे आपको वैसे ही पढ़ने हैं। क्लियर है? इस चीज को नोट डाउन करना है, ठीक है? अपना कॉपी पेन आपने ले ही रखी होगी, इंट्रोडक्शन क्लास लेक्चर 1 डाल के इसको नोट डाउन करना है। बात करते हैं सबसे पहले किसकी, रीजनिंग की। चलिए, तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो सबसे पहले हम कवर करेंगे क्या, ब्लड रिलेशन, ठीक है? ब्लड रिलेशन की वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, चैनल से आप सभी जुड़े होंगे, आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी, कंप्लीट वीडियो है वो, ठीक है? अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ठीक है? कंप्लीट लेक्चर वही है, जो टाइप आपके में आना है मैंने आपको वही करवाया, जो नहीं आएगा बिल्कुल नहीं कराऊंगा। आपका केवल और केवल सीआईएसएफ का ही बैच है। क्या फायदा उस ज्ञान का जो आपके काम ही ना आए, समझ पा रहे हैं? मैं तो आपको जादू दिखा दूं, मैं तो आपको ऐसे ऐसे टाइप करा दूं कि आप देखेंगे सर ये तो आपने कमाल कर दिया। क्या फायदा जब आपके एग्जाम ही नहीं आएगा, समझ पा रहे हैं? आपको मैं उतना ही देना चाहता हूं जो आपके एग्जाम में मोर देन सफिशियंट हो, आप बहुत अच्छे से चीजें कर रहे होंगे, समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ब्लड रिलेशन में दो ही टाइप बनते हैं, दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके लेवल में, एक होता है पॉइंटिंग टाइप, एक होता है पजल टाइप। मैं आपको दोनों चीजें करा रखी हैं, वीडियो को आप देखना, एक दो बार फिर से देखना, उसके नोट्स बनाने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? बच्चों के कॉल आते हैं सर अब हम क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व कर पा रहे हैं, उन्होंने वीडियो को दो दो बार देखा है, तीन तीन बार देखा है, और आपको ऐसे ही देखना है। ये नहीं कि एक बार देखा खत्म, आपको दो बार चीजें देखनी है, तीन बार देखनी है। क्या टाइम जा रहा है? पहली बार देखा आपने पूरी वीडियो, आपने स्टार्ट करी और उसको पूरा देख लिया, दूसरी बार जब आप देखोगे उसी की वही स्पीड बढ़ा दी और उसको फिर देख लिया। चीजें आप जितनी बार देखोगे उतनी बार वो चीज आपको याद हो जाती है, ठीक है? लिखना है आपको, पहला टॉपिक आपने लिखा क्या, ब्लड रिलेशन, ठीक है? और इसमें दो टाइप हम करेंगे। सेकंड क्या आ जाता है, अल्फाबेट कॉन्सेप्ट। आप बोलोगे सर ये कौन सा चैप्टर है, इसको मैंने डिजाइन करा है, ठीक है? आपको मुझ पर भरोसा रखना है कि सर आप जिस तरीके से करा रहे हो बहुत अच्छे ढंग से कराओगे। ये चीजें आपको कहीं भी YouTube वगैरह पे नहीं मिलेंगी, आपने पेड कोर्स ज्वाइन करा है तो आप कुछ अलग ही लेंगे हमसे, ठीक है? मैं आपको कराऊंगा अल्फाबेट कॉन्सेप्ट, ठीक है? अल्फाबेट कॉन्सेप्ट में क्या आता है, किस तरीके के सवाल आते हैं, मैं आपको चीजें आज एक ओवरव्यू दूंगा आपको, मैं चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ कि कैसे हमारी चीजें चल रही होंगी। दूसरा चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा अल्फाबेट कॉन्सेप्ट, उसमें किस तरह के टाइप्स आएंगे, उसमें आपका टाइप आएगा कोडिंग डी कोडिंग,
सर कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कोडिंग डिकोडिंग का। जैसे ऐसे आता है आपका क्वेश्चन, ए बी ठीक है, दो डॉट सी डी ठीक है, फिर ये आपका आ गया और आपसे बोल देगा ई एफ, और ये दे देगा और ये आपसे पूछ लेगा। क्या आपको याद हो रहा है इस तरह? जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा वो समझ गए होंगे क्या टाइप है। ये रहा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी इसके टाइप्स बन सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन घुमा फिर वो सारा हम कोडिंग डिकोडिंग में समझ रहे होंगे। क्लियर है? अल्फाबेट पर आधारित, केवल नंबर पर नहीं, आगे है नंबर का भी, ठीक है? ये हम यहां सीख रहे होंगे। क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट क्या होता है? अब मैंने यही कर दिया, हाँ जी ए, और ये मैंने चार ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी, ये बन गया आपका सेकेंड टाइप। क्या? क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, मतलब आपको इन चारों में से एक को ऑड वन आउट कर देना, मतलब इन चारों में से विषम जो है उसको आपको हटा देना है। समझ पा रहे हैं? कैसे हटा देंगे आप देखेंगे सर। ए के बाद बी आता है, चलो जी एक पेयर बन रहा है। सी के बाद डी आता है, चलो जी एक पेयर बन रहा है। ई के बाद एफ आता है, हाँ पेयर बनता है। जी के बाद क्या आता है अभी? एच आता है, लेकिन यहाँ तो के दे रखा, मतलब ये ऑड है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये हम दूसरे टाइप में इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे। एक एक चीजें समझ रहे होंगे, बहुत बारीकी से चीजों को कर रहे होंगे, हम यहाँ पर इस चीज को कवर करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है आपका सीरीज और मिसिंग नंबर। सीरीज वाला टाइप क्या होता है? वही आपको दे दिया होगा ए बी सी डी, अगला क्या आएगा? समझ पा रहे हैं? मैं आपको एक बेसिक बेसिक सी चीजें बताई जा रहा हूँ, आपको ये चीजें भी लिखनी है। आप जब इसके नोट्स बना रहे होंगे, नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, मैं आपको कुछ दिनों तक गाइड करूंगा। बेसिक क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं, फिर आपकी वो हैबिट बन जाएगी, आप अपने आप समझ जाएंगे। मैं अपने हर बैच में बच्चों को खुद बताता हूँ, आपको नोट्स बनाने का तरीका नहीं पता होता, समझ रहे? क्योंकि देखो मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, आप इस बात को समझेंगे। हमारे स्कूल्स में क्या होता था कि वही एक पेपर आ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, नोट्स वगैरह का इतना है ही नहीं। प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो तो उनमें क्या होता है, उनको शुरू से ही नोट्स बनाने की हैबिट होती है। समझ लो, कमी नहीं है हमारी, ये हमारी कमी बिल्कुल नहीं है। अगर हमें उस तरीके से चीजें सिखाई जाती हम कर रहे होते, ठीक है? कोई बात नहीं। इंग्लिश हमारी क्यों इतनी अच्छी नहीं हो पाती? हमने कभी उस चीज को, वो चीज हमें कराई नहीं गई उस तरीके से। आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी वो सोसाइटी की गलती है, कहीं ना कहीं बोले तो एक वो गवर्नमेंट का वो है कि उस तरीके से चीजें दी ही नहीं गई कि आप उसको सीख रहे हो। क्यों अब हम देहात के लोग, हम लोग जो है वो कहाँ रह जाते हैं, थोड़ा सा लैग कर जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है? यही रीजन है, लेकिन उस चीज को हम ठीक करेंगे। नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, मैंने आपको पूरा जो एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखा है उसी तरीके से, नोट के फॉर्मूले में, उसके फॉर्मेट में, ठीक है? आपको इन चीजों को देखना है। क्लासिफिकेशन आपको क्लियरली लिखना है, अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग लिखा, कोडिंग डिकोडिंग आपने इसका सब टॉपिक लिखा, आपने इसका एक एग्जाम्पल डाल दिया कि सर ये होता है कोडिंग डिकोडिंग जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? अगला ये टॉपिक है, सर ये इसका एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल जरूर डाल दो ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि हाँ ऑड वन आउट, विषम शब्द का चयन करें, विषम मतलब जो चार में से एक ऑप्शन को हटा देते हैं, वो वाला टाइप। माइंड में चीजें तुरंत आपको क्लियर हो जाएंगी, हाँ वो वाले टाइप की बात कर रहे हैं सर, उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? ब्लड रिलेशन हुआ, सेकंड चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम हो गया, थर्ड आएगा वो सेकंड आपका अल्फाबेट कॉन्सेप्ट हो गया, थर्ड आएगा आपका क्या, नंबर कॉन्सेप्ट। रीजनिंग का आपका तीसरा टॉपिक है कौन सा, नंबर कॉन्सेप्ट। अच्छा नंबर कॉन्सेप्ट में क्या होता है, नंबर कॉन्सेप्ट में हम पहला टाइप पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। आपने देखा होगा इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं, दो दे दिया कोमा आठ, ठीक है? और अभी आपको दे दिया और आपसे पूछ लिया चार कोमा, अब आप बताओ अगला क्या होगा, बताओ भी आप लोगों को बताने, क्वेश्चन सॉल्व करो। ये यही आपको बनता है कोडिंग डिकोडिंग, आपको ये कोड दे दिया, आपको उसको डिकोड करना है। ये नंबर बेस्ड कॉन्सेप्ट है कि नंबर, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं? दो का रिलेशन जिस प्रकार से आठ से है, उसी तरह से चार का रिलेशन किससे होगा? आपके ऑप्शन है ए बी सी डी, चार ऑप्शन है आपके, आठ 16 64 और एक और ले लेते हैं, चलो ये चार ही ले लिया, ठीक है? चार ऑप्शन है, क्या हो सकता है? देखो ये दो का और आठ से क्या रिलेशन है, दो का स्क्वायर क्या होता है, दो दुनी चार, दो का क्यूब क्या होता है, दो दुनी चार, चार दुनी आठ। देखो अगर आपको क्यूब याद नहीं है ना, तब भी आपको, मैं हमेशा ये समझता हूं कि आप लोगों को वो चीजें नहीं कैच कर पाते, तो एज अ टीचर जब मैं चीजों को देख रहा होता हूँ, जो चीजें मुझे नहीं आती, मैं किस तरह से सोचता हूँ, आपको वो थिंकिंग बिल्ड करनी है, वो सोच बनानी। आपने मेरा ब्लड रिलेशन देखा होगा, किस तरह से माइंड में ही चीजों को करने लग जाते हैं, वही यहाँ सोचो। दो का रिलेशन आठ से क्या है भाई, दो का स्क्वायर, आपको स्क्वायरिंग नहीं आती तो आप गुणा कर दो ना, क्या जा रहा है अभी, दो सेकेंड ही तो ज्यादा लगेंगे, गुणा कर दो, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, दो का जो क्यूब होगा क्या होगा, आठ, ठीक है? चार का क्यूब क्या होगा अभी, चार चौक 16 16 चौक 64, हाँ सर बन गया, क्या हो जाएगा जी, सी सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है? एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन हम इसमें कोडिंग डिकोडिंग में समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं,
क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, इसमें आपको वही ऑड वन आउट करना है। क्या ऑड वन आउट? वही वहां अल्फाबेट पर चीजें चल रही थी, यहाँ पे नंबरों पर चल रही होंगी। कैसे? ये लो जी आपको सीरीज दे दी 2, 4, 6, 12, क्लियर है? इस तरीके से मतलब एक किसी भी तरीके से आपको दे दिया, ये लीजिए 2, 4, 7, 12। अब आपको इनमें से एक ऑड वन आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स आपके वो किस तरीके से चल रहे होंगे, कैसी चीजें हो रही होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। क्यों भाई? सारे सम है और 7 जो है वो एक विषम संख्या है, समझ पा रहे हैं? तो विषम शब्द का चयन करना, आपने 7 को हटा दिया। क्यों? क्योंकि 7 क्या है? एक 7 एक ऑड नंबर है, क्लियर है? इस तरीके का जो टाइप होगा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका क्लासिफिकेशन में आएगा। अगली चीज हम देखेंगे सीरीज वाले, इसमें आपकी कंप्लीट सीरीज चल रही होगी। कैसी सीरीज? आप देखेंगे 2, 4, 6, 8, तो अगला क्या होगा वो आपको बताना है, क्लियर है? इस तरीके की जो सीरीज चल रही होगी वो आपकी क्या आएगी? सीरीज वाला टाइप बन जाएगा। क्या ये चीज आपको क्लियर हो रही है? हाँ, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए ये वाला टाइप बन जाएगा, समझ पा रहे होंगे इस चीज को? आगे बढ़ाते हैं। लिख लिया होगा? नहीं लिखा है, इस चीज को वीडियो को पॉज करिए और आप इस चीज को कंप्लीटली लिखिए, ठीक है? अगले पर आते हैं। जो हमारा चौथा टॉपिक होगा, जो हम फोर्थ अपना कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, वो क्या होगा? हमारा वर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से आपका कोर्स डिजाइन करा है, अगर आप पेशेंस रखेंगे मैं आपको डबल क्लासेस तक दूंगा। तो सपोज आपका जो एग्जाम, वो तो अप्रैल में बता रहे हैं कि आपका एग्जाम अप्रैल में होगा, इनकेस आपका जो एग्जाम है वो मार्च में हो जाता है। बड़े ध्यान से समझना, अगर आप मुझे कोऑपरेट करेंगे, अगर आप मेरे को समझेंगे तो मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे से एफर्ट लगाऊंगा। मैं मानकर चलता हूँ कि चलो मान लो आपका एग्जाम मार्च में हो जाता है, ठीक है, हमारा जो बैच है, हमारी जो टाइमिंग है, हम उसको डबल कर देंगे। मतलब हमारी क्लास मॉर्निंग में होती है तो हम मॉर्निंग में तो लेंगे ही क्लास, इवनिंग में भी लेना शुरू कर देंगे। समझ पा रहे हैं बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर हमें पता चला भाई हमारा एग्जाम मार्च में ही है, अप्रैल के शुरू में ही है, तो हम क्या करेंगे? अपनी क्लासेस डबल कर देंगे। कम से कम एक महीने पहले तो आपको पता ही चलेगा, तो सारे चीजें डबल कर देंगे। जहां आपका कोर्स 3 महीने का था, वही चीजें डबल होकर वो 6 महीने मिल जाएंगे आपको। समझ रहे हैं? चीजें, हर एक चीज का प्लान है। वो तो एक टेक्निकल इशू आ रहा था जिस वजह से हम आपसे जुड़ नहीं पा रहे थे। तो 3 रातें हो गई, 3 रातों से हम सोए नहीं है, रात रात भर लगे रहते हैं, कहीं किसी को फोन करते हैं, किसी से सपोर्ट मांगते हैं, तो बहुत मुश्किल से चीजें हो पा रही हैं। अभी भी काम चल रहे हैं, काफी अच्छे से चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि ये टेक्निकल इशू नहीं आएगा। आप हमें टेक्निकल इश्यूज पर जज मत करा करिए, हम टीचर हैं, अब हमारा टीचिंग का सेंस देखिए। पढ़ाने में आपको चीजें नहीं समझा पा रहे, आपको चीजें नहीं समझ आ रही, वो हमारी गलती होगी। मानते हैं मेरी बात को? टीचर है, हमारी गलती आप हमारी पढ़ाई पर निकाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये टेक्निकल इश्यूज हैं, ये है, ये तो सभी के साथ हो सकते हैं, कल को आपके साथ हो जाए, ठीक है? इस चीज पर बोलना वो अच्छा नहीं है, लेकिन गलती हमारी है, उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चौथा होगा हमारा क्या? वर्ड कॉन्सेप्ट। वर्ड कॉन्सेप्ट में हम क्या चीजें समझ रहे होंगे? क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट। अच्छा सर, ये वर्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब शब्द का संबंध क्या होगा, ये आप समझिए। आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कैसे क्वेश्चन? आपको दे दिया आगरा, ठीक है, मतलब इसी तरीके से आपको आगरा दे दिया, मैंने दिल्ली दे दिया, आगरा दिल्ली बंबई, आगरा दिल्ली बंबई और मोबाइल। ये लो जी एक एग्जांपल है, ठीक है, समझाने के लिए कि मैं किस टाइप की बात कर रहा हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। आपके एग्जाम में यही देखने को मिलेंगे, इसी टाइप पर क्वेश्चन मिलेंगे। आपके जो 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, वो इन्हीं टाइप में से क्वेश्चन होंगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन की बारीकी से समझाऊंगा चीजें कि किस तरीके से हमारी चीजें चल रही होगी। ऑड वन आउट में आपको ऐसे 4 मिलेंगे, आपको इनमें से एक हटा देना जो भी विषम हो। आगरा यार एक जगह का नाम है, ठीक है, एक सिटी का नाम है, दिल्ली सिटी है, बंबई सिटी है, मोबाइल सर मोबाइल तो एक डिवाइस का नाम होता है। ये लो जी ऑड वन आउट आंसर आ गया। समझ पा रहे बातों को? एग्जाम्पल दिया, ये मत सोचना कि सर ये कैसा है या क्या है, एग्जाम्पल समझाने के लिए। अगला क्या हो गया आपका वर्ड कॉन्सेप्ट में? सीरीज, ठीक है, एक कंप्लीट सीरीज चलती है, उसमें से आपको एक मिसिंग सीरीज हटानी होगी। अगला क्या आ जाता है आपका? पेयर रिलेशन। पेयर रिलेशन में क्या होता है भाई? पेयर रिलेशन में आपका होगा, हाँ एक एग्जांपल देता हूं पेयर रिलेशन का, भारत, भारत का जो संबंध रुपये से है, ठीक है, उसी प्रकार से भारत का संबंध जो रुपये से है, उसी प्रकार से अमेरिका का संबंध, बड़े ध्यान से समझना, अमेरिका का संबंध किससे होगा, ये वाला टाइप। समझ पा रहे हैं? भारत का संबंध जो रुपए से है, उसी तरह से अमेरिका का संबंध किससे होगा, दिख रहा है आपको? हाँ,
ठीक है, अमेरिका की सो का भाई भारत में क्या चलता है? रुपया चलता है, अमेरिका में क्या चलेगा? डॉलर। डॉलर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये तरह के जो टाइप होते हैं, जो मतलब आपको अक्षर पर आधारित मिलते हैं, आपको वर्ड पर आधारित मिलते हैं, वो हम इसमें समझ रहे होंगे। ठीक है, पेयर वाले कॉन्सेप्ट में, उसमें हम इस चीज पर डिस्कस कर रहे होंगे, भारत का संबंध जो रुपए से है, अमेरिका का संबंध किससे होगा, वो टाइप हमारा किसमें आ जाएगा? पेयर वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। समझ गए आप लोग? नोट्स बनाने, और ये जब आप लिखोगे ना कि पेयर वाला, जोड़ी वाला संबंध, तो उसमें एक एग्जाम्पल डाल के क्वेश्चन लिखना है आपको कि हाँ सर, इस वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं, इस वाले टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा क्या? लॉजिकल ऑर्डर। सर लॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? लॉजिकल ऑर्डर होता है जब आपको चार चीजें दे रखी होती है और उनको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उठना, समझना बात को, उठना। ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं जिनको इंग्लिश मीडियम में करना है, तो अभी चीजें इतनी वो नहीं है, आप ये चीजें कर सकते हैं रिलेट। इंडिया डाल दो यहाँ, रुपीज डाल दो, अमेरिका डाल दो या डॉलर डाल दो। ठीक है, जब अपना कोर्स स्टार्ट होगा वो बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए कि उनके साथ कि ये पूरा कोर्स हिंदी में, हिंदी में नहीं है, बायलिंगुअल चीजें हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो इतनी अंडरस्टूड है, इतनी चीजें हैं कि आगरा है तो आप ये लो आगरा लिख दो, ठीक है दिल्ली लिख दो। ठीक है, चीजें जब अपनी चलेंगी ना तो हम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलो तो मैं ये वाला टाइप आपको समझा रहा था कि जो लॉजिकल ऑर्डर है वो क्या है, उठना, सोना, ठीक है, ब्रेकफास्ट, डिनर। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ये चार हैं, उठना, सोना, ब्रेकफास्ट और डिनर। इन चार को आपको क्या करना है? लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तार्किक क्रम में लगाना है। आपने देखा होगा ऐसा आता है, तो आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, और इन सभी का नंबर डाल रखा होगा, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, और आपको कुछ इस तरीके से दिया होगा कि ऑप्शन ए है उसमें क्या दे रखा है आपका, एक, एक के बाद आपका आएगा तीन, तीन के बाद आपका आएगा चार, चार के बाद आपका आएगा दो, ये। ठीक है, तो आप देखोगे कि हाँ भाई ये है, सही है। क्यों? पहले, सबसे पहले हम उठेंगे, उठने के बाद अगर देखा जाए तो उठने के बाद ब्रेकफास्ट आता है। ठीक है, ब्रेकफास्ट करेंगे, नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद आप डिनर करेंगे जो रात का खाना होता है, उसके बाद आप सोएंगे रात को। मतलब ये तार्किक क्रम में चीजों को लगाना, इस तरीके के जो सवाल होते हैं, इस तरीके की जो चीजें होंगी वो आपके इस वाले टॉपिक में आ रही होंगी, लॉजिकल ऑर्डर वाले में। क्लियर है? अगला है आपका क्या? डिक्शनरी। सर डिक्शनरी वाले से क्या आएगा? डिक्शनरी वाले से क्या आता है? आपको चार लेटर दे दिए जाएंगे, ठीक है, वो चार आपको दे दिए जाएंगे और आपसे क्लियरली पूछा जाएगा कि एक, दो, तीन, चार, इसको एक लॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, मतलब अल्फाबेट के हिसाब से इसको सेट करिए। वो वाला जो टाइप होता है वो आपका शब्दकोश का होता है, डिक्शनरी का होता है, वो हम इसमें समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला क्या आ जाता है? फॉर्म्ड वर्ड, मतलब कि आपको वो चीजें अल्फाबेट, वो चीजें एक उस तरीके से दे दी जाएंगी सीधी सीधी, और आपको उसमें क्या करना होगा? उसको फॉर्म करना पड़ेगा, तरीके से तरतीब से चीजें लगानी पड़ेंगी। वो किसमें आ जाता है? आपका शब्द का गठन करें, ये वाला टाइप भी हम समझेंगे। देखिए चीजें मैं आपको बड़े एडवांस लेवल पे कराऊंगा, शब्द का गठन करें ये वाला टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन शायद ही आपके एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, सीरीज मिसिंग नंबर, ये इसमें शायद ही आपको देखने को मिले, मैं वो भी करा रहा हूँ, बहुत डिटेल में जाके चीजें करेंगे हम। जितना आपका सिलेबस है उससे 20% एक्स्ट्रा मैं आपको करा दूंगा, बशर्ते आपको चीजों को दो दो बार देखना है, बार बार देखना है, समझ में नहीं आता। अच्छा एक चीज और मैं भी आपको बताऊंगा, आपके लिए काफी एक अच्छी गुड न्यूज है, वो चीज भी अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, आप जुड़े हैं मेरे साथ, आप सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे, अपना ध्यान रखना। पांचवा चीज है जो हमारा पांचवा टॉपिक है वो क्या? फिगर कॉन्सेप्ट। चार क्लियर हो गए, पांचवा अपना फिगर कॉन्सेप्ट। फिगर कॉन्सेप्ट में क्या? सीरीज वाले क्वेश्चन चलते हैं। कैसे? जैसे कि आपको ये ऐसे चित्र दे रखे होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये वाला टाइप आएगा, लेकिन मैं आपको ये भी कराऊंगा। ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, मैं आपको चीजें कराऊंगा अगर आ गया तो। भाई ये फिगर वाले जो कॉन्सेप्ट है, ये चीजें मतलब इतनी नहीं आती, लेकिन अगर आ गया तो क्या करेंगे आप, है ना? इसके थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, चीजें समझेंगे, कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, आप आएगा एग्जाम में थोड़ा टाइम लगाओगे लेकिन आप क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, आप उस चीज में वो नहीं कर रहे होगे, मैं आपको बता रहा था। हाँ, तो फिगर कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो फिगर कॉन्सेप्ट में क्या? सीरीज वाले टाइप आ जाते हैं। देखिए आपको चीजें ना छोड़नी नहीं है, समझ पा रहे हैं? चीजें आपको मिस नहीं करनी। अगर मान लीजिए ये वाला टाइप का क्वेश्चन आ गया तो चीजों को हम बहुत डीप में लेकर चलेंगे। 20% सिलेबस में आपको एक्स्ट्रा कराऊंगा, जितनी चीजें आपकी आएंगी उससे ज्यादा ही लेकर चलूंगा। ठीक है, सीरीज वाला टाइप आप समझ गए क्या होता है? सर सीरीज वाला टाइप, एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ तब आप इस चीज को समझेंगे। जैसे यहाँ एक डंडा है, ठीक है, अगला ये है, अगला आपका ये है। अब आप बताइए इस वाली इमेज में क्या आएगा? आपका ऑप्शन ए है, ये बॉक्स आएगा, ठीक
ठीक है, आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। बी है आपका, सर ये गोला आएगा। ऑप्शन सी है आपका, सर ट्रायंगल आएगा। ऑप्शन डी है आपका, सर ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये था आपका, ये सीरीज चल रही है, देखिए फिगर वाली सीरीज, इसमें आपको फिगर दिखाई जाएगी और आपको फिगर दिखाकर चीजों को पूछा जाएगा, क्लियर है? चलिए सारी चीजें सही चल रही है, आपको दिख रही है? हाँ, आपको दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई, पहली सीरीज ये थी, चलो यहाँ एक डंडा था, अगले में बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी क्या होगा भाई, बता दिया आपने, चेक करते हैं। बी चलो दो डंडे आ गए, सी ये तीन हो गया, अब डी में क्या होगा, यहां आया था, यहां आया था, यहां आया था, पूरा हो जाएगा, मतलब ए सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं चीजों को? इस तरह का जो टाइप होगा वो क्या आएगा आपका, सीरीज वाले में आएगा, क्लियर है? सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड आपका हिडन फिगर। हिडन फिगर क्या, आपको एक इमेज दे दी जाएगी, अगर मैं इस चीज को समझाऊं, एक आपको इमेज दे दी जाएगी, ये इस तरीके से कोई आकृति होगी, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, कुछ ऐसे दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपसे ऑप्शन में ही पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कुछ ऐसा आपको दे दिया, और आपको ए बी सी डी चार ऑप्शन होंगे, और बोलेगा कि हिडन इमेज बताओ, मतलब कोई भी एक चिन्ह दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी आकृति इसमें निहित है, इसके अंदर दी गई है। इस तरह से जो टाइप बनता है वो आपका किसमें आ जाता है, हिडन फिगर वाले में। क्लियर होगी बात? कि अगला कॉन्सेप्ट आएगा हमारा क्या, कंप्लीट द फिगर। कोई भी फिगर दे दी जाएगी आपको, वो फिगर कंप्लीट करनी पड़ेगी। कैसा एग्जाम्पल दूं अगर आपको इसका, तो एग्जाम्पल क्या बनेगा भाई, ये एक आपको दे दिए मैंने फिगर, चलो जी, हाँ ये आपको कंप्लीट करनी है, आपको बताने के इस वाले हिस्से में क्या आएगा, आपके चार ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका ये ऐसे, ऑप्शन बी है आपका क्या ये, ऑप्शन सी है आपका क्या ये, ऑप्शन डी है आपका क्या, बोला क्या आएगा अभी इसके अंदर। आप जैसे ही इसको ऑप्शन ए को उठाओगे, ऑप्शन ए को उठाकर यहाँ पर चिपकाओगे, तो ये कहीं ना कहीं सेट नहीं हो जाएगा, इसको सेम ऐसे उठाओ और यहाँ लगा दो, मुड़ते नहीं है, ध्यान रखना, ये ऐसे था और ये ऐसे आ जाएगा, कंप्लीट होगी फिगर। ये वाला जो टाइप होगा आपका किसमें आएगा, आकृति को पूरा करें, चौथा टाइप बनेगा आपका। समझ में आ रही है बातें? ये आपका चौथा टाइप बनेगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, क्या आंसर निकला इसका, ए आंसर निकला, इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें हम करेंगे, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट कर लिए, उसके बाद हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम उठाएंगे डाइस, पासा, ठीक है। पासे में भी हम चीजों को समझेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, ठीक है, इसमें भी दो टाइप अपने बनते हैं क्या, जो हमारी क्या बोलते हैं कंटेंट वाली टीम है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन ही किया। पासे वाले में आपके दो बनेंगे क्या, साधारण पासा, लिख लीजिए साधारण पासा और मानक पासा, ये हम दो तरीके के इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन्हीं दो तरीके से आपके आते हैं पेपर में क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं, मुझे पता है आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा, मैं उसे बेहतरीन कराऊंगा, आपको आपका छूटेगा कुछ भी नहीं, बस बशर्ते आपको चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, दो दो तीन तीन बार देखना है। मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, एक थोड़ा सा वो लेते हैं, बड़ा ही भावुक कर दिया उस बच्चे ने, उसने मुझसे बोला सर मैंने जॉब छोड़ दी है अपनी, वो शायद आई थिंक मैंने उसको डलवाया भी होगा टीम को, बोल गया ग्रुप में, उसने मुझसे बोला सर मैंने जॉब छोड़ दी है अपनी, ठीक है, मैं प्राइवेट जॉब करता था और मैं तैयारी करना चाहता हूँ सर, और मैंने आपके भरोसे पर आपका कोर्स लेकर मैंने जॉब छोड़ दी है अपनी। मुझे बड़ा ही मतलब एक कहूँ तो मुझे खुद में कमी लगी, वो लगी कि यार बच्चों ने मुझसे इतनी उम्मीद लगा रखी है, उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी और तुम एक टेक्निकल इश्यू को ठीक नहीं कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो मुझे कहीं ना कहीं वही है, वो चीजें लगी, वो लगती है मुझे, और यही बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन ले जाते हैं, बिल्कुल फैक्ट बात है ये, आप में, आप सभी में वो लगन है, आप सभी उस चीज को लेकर हैं, यही बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन ले जाते हैं। देखिए एक चीज है, एक मतलब काफी फेमस लाइन है जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ क्या, कि आपको विकल्प बहुत मिलेंगे, ठीक है, लेकिन संकल्प एक ही काफी है, किसी भी चीज के लिए विकल्प आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो संकल्प है वो एक ही काफी है, आपके पास एक ही संकल्प होना चाहिए कि हाँ भाई इस बार CISF SCM मेरे को निकालना है, मतलब निकालना है। विकल्प तो बहुत मिलेंगे, आप प्राइवेट जॉब कर दो, आप कुछ और कर दो, आप अपने घर का जो आपका काम धंधा है वो संभालो, कुछ भी करो, शादियां कर दो, शादी कर दो, शादी लड़कों की तो शादी भी नहीं होगी, ये भी दिक्कत है भाई, हमारे बैच के जो हमारे मेरे जो
जीते हैं उनकी तो भाई शादी भी नहीं होगी, ठीक है, तो आपको तो जॉब लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वही चीजें कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे मतलब टच कर जाती हैं, तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये डेडिकेशन आपकी चाहिए चाहिए। कोर्स हमारा इतने बढ़िया तरीके से प्लान हो रखा है, मैं चीजें आपको इतने अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है, बशर्ते आप इन सभी चीजों को बहुत धीरे धीरे करेंगे। देखो एक दो दिन में हमारा सारा सेटअप अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपको ये टेक्निकल इश्यूज को नहीं देखना, आपको पढ़ाई देखनी है, कंटेंट देखना है, ठीक है। पढ़ने वाला बच्चा झोपड़ी में भी पढ़ लेता है, बड़े ध्यान से सुनना, पढ़ने वाला बच्चा झोपड़ी में भी पढ़ लेता है, नहीं पढ़ने वाले को महल भी कम पड़ जाता है, समझ पा रहे हो। पढ़ने वाला बच्चा मोमबत्ती जलाकर पढ़ लेगा। अब्दुल कलाम साहब, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका, जो अपने APJ अब्दुल कलाम साहब है, ठीक है, आपने सुना होगा स्ट्रीट लाइट जो होती थी उसके नीचे बैठकर पढ़ते थे। पढ़ने वाला बच्चा किसी भी कंडीशन में कैसी भी सिचुएशन में पढ़ लेगा, नहीं पढ़ने वाले को तो बहाना ही चाहिए कि ये चीज है ये चीज है, वो कभी नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना, आपको इस कैटेगरी में आना है, क्लियर है, इस कैटेगरी में नहीं आना। चलिए हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको, आपको पढ़ना है। डाइस में दो टाइप होंगे, साधारण पासा मानक पासा। अगर साधारण पासे को, चलो मैं ये इंग्लिश वगैरह में पूरा कंप्लीट फॉर्मेट आपको जब इसका टॉपिक आएगा तब आपको करा रहा हूँ, ठीक है। सातवां जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा क्या, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृति की गणना। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें आते त्रिभुज वाले, आपको ये दे दिया और आपसे पूछा बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। आपको ये वर्ग दे दिया, आपसे पूछेगा कि इस वर्ग में कितने त्रिभुज हैं, ये वाले जो टाइप बनते हैं वो काउंटिंग ऑफ फिगर में आ जाते हैं। अगला आपका जो चैप्टर होगा वो होगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक पेपर कटिंग वगैरह होगी, तो उसमें आपको बताना है उस चीज को, पेपर कटिंग को, कि ये ऐसी इमेज है इसको ऐसे फोल्ड किया गया, ठीक है, फिर इसे ऐसे फोल्ड किया गया और फाइनली ऐसे जब ये फोल्ड हो गया, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, फिर इसमें एक ये यहां पर ऐसे कट लगा दिया गया, यहां पर ऐसे कट लगा दिया, जब इस पेपर को हम पूरा खोलेंगे तब कैसी आकृति बन रही होगी, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे, पेपर कटिंग फोल्डिंग में हम देख रहे होंगे, क्लियर है। जिन जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन जब मैं ये कॉन्सेप्ट कराऊंगा मेरा वादा है आपका कि आप भूल जाओगे सारी चीजें, आपको लगेगा सर क्या बवाल मचा दिया। आप मेरी ब्लड रिलेशन वाली वीडियो देखना। अगला देखो, अगला अपना वाटर मिरर एंड इमेज। इसमें क्या होगा, इसमें आपको वाटर मिरर इमेज के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा क्या, BOLD, बोल्ड, ठीक है। बोल्ड को अगर हम मिरर में देखेंगे, मतलब दर्पण में देखेंगे, तो इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अब इसमें क्लियरली मेंशन करा होगा कि यहां पर आपका दर्पण लगा दिया गया है। अब ये बोल्ड कैसा दिख रहा होगा दर्पण में, बताओ भाई। हाँ, ये कुछ यहाँ डी आ रहा होगा, ठीक है, ये एल आ रहा होगा, ओ जैसा है वैसा ही दिखेगा, ये आपका ये हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं यहां पर जो इसकी इमेज बन रही होगी वो आपकी यही इमेज बन रही होगी इसकी, क्लियर है। चलिए बोल्ट का हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको भी कराने का बहुत अच्छा तरीका होता है, मैं आपको क्लास में बताऊंगा। डी सबसे पास था तो सबसे पास डी की ही फॉर्म आएगी, एल उसके बाद है तो फिर आपका एल आ रहा होगा, ओ उसके बाद है फिर आपका ओ आ रहा होगा, बी लास्ट में तो बी लास्ट में आ रहा होगा, ये बनेगा आपका फॉर्म। डी सबसे पहले था, यहाँ मिरर था तो सबसे पहले डी आएगा, फिर एल था फिर एल आएगा, ये आपको जब हम इसको डिटेल में करेंगे तब समझेंगे, लेकिन डाल देना वाटर मिरर इमेज में हम इस तरीके के क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। चलिए अगला है आपका क्या, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन वाला जो टाइप है इसमें से मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज कराऊंगा, ठीक है। डायरेक्शन में क्या होता है, आपको दिशा दे दी, मतलब क्वेश्चन दे दिया जाता है कि वो 2 किलोमीटर पूरब गया, फिर पश्चिम गया, फिर इधर गया, वो अपने दिशा से कहाँ पर है, ऐसे टाइप बनते हैं, वो आपका किस में आ जाएगा, डायरेक्शन में आ जाएगा, क्लियर है, लिख लिया होगा। अगला देखते हैं 11वां। 11वां आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, वही होता है ये लीजिए, कुत्ता बिल्ली जानवर, ठीक है, कुत्ता बिल्ली जानवर। आप इसका वेन डायग्राम बनाओ, क्या बनेगा भाई, ये सारे जानवर हैं सर, ये कुत्ते हो गए और ये कुत्ते इसके अंदर आ गए बिल्ली में, सही बनाया मैंने, गलत बनाया, कैसे गलत बनाया सर, आप ये बोलोगे ये तो सारे जानवर हो गए, ठीक है, ये तो सारे कुत्ते हो गए, ठीक है, ये सारे बिल्लियां हो गई, ठीक है, लेकिन सर एक बात बताओ ये कौन है, समझ पा रहे हो, गलत हो गया। तो इसका सही क्या बनेगा आपका, ये सर्कल बना दिया, ये डॉग्स हैं, ये सारी कैट्स हैं और ये आपके एनिमल हैं, ठीक है, ये आपका डॉग हो गया, ये आपकी कैट हो गई, ठीक है, ये आपके एनिमल हो गए, क्लियर है। ये इस तरीके से जो आपका वेन डायग्राम, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको चीजें दिख रही होंगी, आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे वेन डायग्राम में, आप देखते ही बोलोगे सर ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आपके माइंड में सीधा ये फ्लाई होगा सर ये कहां से आ गया, समझ
मैं आपके अंदर वो सोच बना दूंगा, एक ऐसी सोच विकसित कर दूंगा आपके दिमाग में कि ऑप्शन देखकर ही आप चीजों को हटा रहे होंगे। जैसे ब्लड रिलेशन में मैंने आपकी सोच बनाई, ठीक है। चलिए अगला होगा हमारा सिलोजिज्म, कथन और निष्कर्ष। ठीक है, उसमें आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, कथन दे दिया जाता है, उसके निष्कर्ष दे दिए जाते हैं और आपसे चार ऑप्शन डालकर पूछ लिया जाता है कि पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, पहला और दूसरा दोनों सत्य है, ठीक है, दोनों ही सत्य नहीं है, ठीक है। इस तरह का जो होता है वो किसमें आ जाता है आपका, सिलोजिज्म में। फिर तीसरा टॉप, जो अगला टॉपिक जो हम करेंगे वो होगा आपका कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आ रहे, अगर मैं आपको बताऊं तो सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जितने एसएससी के एग्जाम्स हैं उसमें आप कैलेंडर से क्वेश्चन उठाने बंद से कर दिए हैं। आते हैं क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आते, आते हैं, लेकिन इसका ट्रेंड जो है वो चला गया, ठीक है। कैलेंडर आपको फिर भी दिख जाएगा, क्लॉक तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इन दोनों की ट्रिक बताऊंगा कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे आप देखते ही उसको 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। ये चीज हम लास्ट में करेंगे, कैलेंडर करेंगे हम, क्लॉक करेंगे, ठीक है। 15 पर आ जाता है अदर। चलिए अदर वाला चैप्टर क्या है, ये अदर वाला आप बताओगे, ध्यान से समझना। जहां तक मुझे लगता था कि आपके रीजनिंग में ये टॉपिक्स होने चाहिए, मैंने सारे कवर कराए हैं, मैं वो सारी चीजें कराई हैं। अगर आपको लगता है कि सर रीजनिंग में ये वाला चैप्टर भी आता है हमारे इसमें, ये मोस्ट वेलकम, जिस तरीके से आप बताओगे वैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन तरीके से, ठीक है, अपनी मर्यादा का आपको ध्यान रखना है, स्टूडेंट हो स्टूडेंट की तरह उस चीज को बिहेव करना, ठीक है। मैं बहुत साथ हूं आपके, ठीक है, उस अगर आप उस तरीके से मेरा साथ देते हैं। अदर्स में आपको बताना है, आप बताओगे मुझे अदर्स में कि सर कौन सा टॉपिक के ये वाला चैप्टर है, सर आपने उसमें नहीं लिखवाया, ये वाला चैप्टर भी कराना, हम उसको जरूर अदर में ऐड कर रहे होंगे, समझ पा रहे हो आपको, ये आप मुझे बताओगे। टेलीग्राम पे मैं आपका वो ऑन करा दूंगा, वहां आपके कॉमेंट्स आया करेंगे, मेरा खुद का ये नंबर है, ठीक है, और इस नंबर को शेयर वगैरह मत करना, ये आपके लिए ही है फिलहाल, बाद में अकेडमी का नंबर जो है वो चेंज हो जाए। ये मेरा खुद का नंबर है, ये मैंने आपको पर्सनली दिया है, ठीक है। इसका जो व्हाट्सअप हैंडल है वो टीम हैंडल करती है, टेलीग्राम भी आई थिंक टीम ही करती है, तो लेकिन इसके जो मैसेजेस है वो मैं जरूर देखता हूँ, ठीक है। 15 पर आपके क्या अदर्स, उस चीज को आपको देखना है, वो चीज आपको करनी है, क्लियर हो गया। ये हमारा रीजनिंग का कंप्लीट रहेगा, इस तरीके से हमारी रीजनिंग चल रही होगी, इस तरीके से हम इसको देखेंगे कंप्लीट। जो भी आपकी 25 नंबर की रीजनिंग होगी, पूरी 25 नंबर की रीजनिंग आपकी यहाँ कवर हो रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ भी लैक नहीं कर रहा होगा, मैं लेकर चलता हूँ, फिर भी कुछ कर रहा होगा, मैंने अदर में डाल दिया, आप बताओगे वो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। 25 नंबर आप यहाँ से कवर करोगे, रीजनिंग का हो गया, 100 में से हमने 25 नंबर का गेम समझ लिया, ठीक है, और हम बढ़ गए अपने अगले पर, मैथ पर। अगला 25 नंबर का खेल है हमारा कहाँ, मैथ्स पर। अब देखिए मैथ्स को मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया है, क्या किया है अभी, पहले नंबर पर हम करेंगे क्या, बेसिक कैलकुलेशन। सर ये कौन सा चैप्टर है बेसिक कैलकुलेशन, आप ही बताओ। बेसिक कैलकुलेशन ही वो चैप्टर है जो सभी चीजों से लिंक है, समझनी बहुत जरूरी है बात, कैसे लिंक है मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने उठाया प्रतिशत, भाई कोई भी टीचर है उसने शुरू कर दिया पढ़ाना आपको, उसने पहला चैप्टर उठा लिया प्रतिशत, चल भाई ठीक है। बच्चे को जब कैलकुलेशन ही नहीं आती, बच्चों को वो गुणा भाग ही नहीं आता, बच्चा वो चीज समझ ही नहीं पाता, तो कहां से करेगा। परसेंटेज उठा लिया, प्रॉफिट लॉस उठा लिया, कोई भी चैप्टर मैंने उठा लिया, हर चैप्टर के बाद में देखो कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपको एक ही चीज करनी पड़ती है, उसका नाम है कैलकुलेशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप सॉल्व करोगे लास्ट में आपकी कैलकुलेशन ही आएगी, तो क्यों ना शुरुआत के 2-3 दिनों में कैलकुलेशन को समझ लिया जाए, ताकि हर कॉन्सेप्ट के लास्ट में जैसे आप कैलकुलेशन आप उसको तुरंत सॉल्व कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बोलू 3, 2, 5, 6, इसको 11 से गुणा करना है, ठीक है सर, इसका आंसर क्या होगा। अब आप इसको करोगे 11 छक्का 66, 6 आया 6 हासिल गया, 11 पंजे 55, 55 में 6 जोड़ोगे, एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यहां पर 6 लिखा हुआ था, डायरेक्ट 6 लिख दिया, 6 और 5 11, 11 का 1 1 हासिल गया, 5 2 7 और 1 8, ठीक है, 5 2 7 और 1 8, 3 2 5 और 3 का 3, ये लो जी ये इसका आंसर आ रहा होगा, 3 2 5 6 को 11 से गुणा करेंगे, ये आपका आंसर आएगा, करके देखना एक बार भी, 3 2 5 6 इसको 11 से गुणा करना है, 3256 को 11 से गुणा करना है, 11 छक्का 66, 6 आ गया 6 हासिल गया, 11 पंजे 55, 55 में 6 जोड़ेंगे 61, 6 हासिल गया, 11 दूनी 22, 22 और 6 28 हो गया, 11 तिया 33, 33 और 2 35, कितना आया अभी बता दो, कितना आया 35,816। अब देखो अगर आप ये मेरा पहला चैप्टर नहीं करेंगे बेसिक कैलकुलेशन, तो आप इस तरीके से चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे,
अगर आपने ये वाला मेरा चैप्टर करा बेसिक कैलकुलेशन, तो आप इन चीजों को एक ही लाइन में एक ही बारी में सॉल्व कर रहे होंगे। सर ये आपने किया कैसे, वो चीज बताऊंगा जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा। समझ लो फर्क ये है, बेसिक करना बच्चे को बेसिक ही नहीं कराया जाता, उनको पढ़ा दिया जाता है लो जी परसेंटेज शुरू करा दिया हमने, लो जी हमने मिक्सर एलिगेशन शुरू करा दिया। अरे क्या फायदा उस चीज का, आप अपना तो सेटिस्फेक्शन करो, बच्चों को तो वो चीज दो जो उनको चाहिए। क्लियर है? पहला चैप्टर हमारा रहेगा क्या, बेसिक कैलकुलेशन। दूसरा चैप्टर रहेगा हमारा क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी चीजें, एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने दिया आपको यहाँ 5, 10, 20। सर 5, 10, 20 का एलसीएम क्या होगा, इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है 20, वही मैंने मान लिया एलसीएम है। क्या 20 10 में जाता है, हाँ जी 10 दूनी 20। क्या 20 5 में जाता है, हाँ जाता है 5 और 20, 20 हिसाब का एलसीएम हो गया। आपको वैसे एलसीएम नहीं निकालना कि आपने यहाँ 5 लिखा या 10 लिखा या 20 लिखा, फिर कर रहे हो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 से कर रहे हो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर रहे हो 2 एकम 2, हाँ जी 2 ये कट गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, हाँ सर 2 एलसीएम 20 एलसीएम आ गया। गलत। उस तरीके से करोगे तो आप कैसे इस चीज को वो कर दोगे, समझ लो। जो बच्चे अब आप लोग कर रहे थे इस तरीके से, अब जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ रखा है जिन्होंने बोलिया वो इस तरीके से करेंगे, कैसे मुकाबला करोगे? आपको ये चीजें सीखनी है, आप यहां सीखने आए हो, आपको बेहतरीन ढंग से चीजें सीखनी है। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी 15 मतलब किस तरीके से। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट होंगी हम कहां सीखेंगे, बेसिक चैप्टर्स में। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यही चीज आपकी टाइम एंड वर्क में काम आ रही होगी, यही चीज आपकी किसमें स्पीड एंड डिस्टेंस में काम आ रही होगी, किस तरीके से। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि ये 5 था, ये 10 था और ये 20 था। ठीक है, इनका एलसीएम कितना निकला था भाई, 20। ठीक है, ये आपका क्या है, टोटल वर्क। जब हम टाइम एंड वर्क की बात करेंगे, समय और कार्य की बात करेंगे, तब ये जो 20 आपका कुल कार्य बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे हम स्पीड वगैरह पर आ जाएंगे तब ये आपका क्या बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस बन जाएगा, कुल दूरी बन जाएगा। आपको ये बातें समझनी है, चीजें वही है, बस मैं उसकी जो लैंग्वेज है, अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक का मतलब है किसी भी चीज का अर्थ निकालना। अगर आप उस चीज का अर्थ निकाल सकते हैं आप उस चीज को कर जाएंगे, नहीं निकाल सकते नहीं कर पाएंगे। अर्थमेटिक में 2 ही चीजें रिक्वायरमेंट है, पहली और दूसरी। पहली चीज क्या है सर, पहली चीज है बात का अर्थ निकालना, इसको हम समझेंगे किसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट में। ठीक है, दूसरी चीज क्या है सर, जैसे आप उसका मीनिंग निकाल देंगे फिर दूसरी चीज हो जाएगी आपकी बेसिक कैलकुलेशन, सॉल्व कर दो आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से चीजें कर रहे होंगे। दूसरे में हम समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, तीसरे नंबर पर हम क्या समझेंगे, बेसिक चैप्टर। मतलब ये 2 चीजें हैं, 2 चैप्टर हैं जो आपको कोई नहीं कराता, जो हम कराएंगे। इसमें आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, आप चीजों को समझने लगेंगे, उसके बाद आएगा आपका बेसिक चैप्टर। बेसिक चैप्टर्स में क्या आएगा, परसेंटेज करेंगे हम, रेशियो करेंगे, मिक्सर एलिगेशन करेंगे, एवरेज करेंगे, नंबर सिस्टम करेंगे। ये सारे बेसिक चैप्टर हैं। इनको सर आपने बेसिक चैप्टर में क्यों डाला, इनको बेसिक चैप्टर में डालने का रीजन ये है क्योंकि ये चैप्टर आगे आने वाले चैप्टर से रिलेट होते हैं। कैसे रिलेट होते हैं वो चीज मैं आपको भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये चीजें जो है वो उसमें रिलेट हो रही होंगी। ठीक है, इसको देखेंगे। बेसिक चैप्टर है आपके, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सर एलिगेशन, एवरेज, नंबर सिस्टम। ठीक है, कैसे रिलेट होंगे अभी आपको दिखाता हूं। ये आगे आपका अगला क्या, अदर चैप्टर। अदर चैप्टर में जैसे हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क की, टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो उसमें आपको एलसीएम एससीएफ लेना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको एवरेज लेना पड़ेगा, उसमें आपको परसेंटेज यूज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो बेसिक चैप्टर थे वो इसमें यूज हो रहे होंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करेंगे तो आपको रेशियो का जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं। पाइप एंड स्ट्रीम की बात करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, आपको रेशियो की जरूरत पड़ेगी। प्रॉफिट लॉस मतलब लाभ और हानि, कैसे जरूरत पड़ेगी समझो। हाँ, मैंने यहां पर दे दिया सीपी, यहां पर दे दिया एसपी। सीपी होता है आपका क्या, क्रय मूल्य। ठीक है, एसपी होता है आपका क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, 2 चीजें। अगर क्रय मूल्य 100 था और विक्रय मूल्य 120 था तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे सर 20 का फायदा हुआ, कितने पर, 100 पर। और 20/100 मतलब कितना परसेंट बन गया, 20%। क्लियर है? ये चीज आपने कैसे करी सर, रेशियो से मैंने इसको सॉल्व कर रहा था। केवल एक बता रहा हूं कि जिस तरीके से मैंने कोर्स डिजाइन करा है तो आप कैसे एडवांस लेवल पर चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्या, पार्टनरशिप को समझेंगे। आप लिख लेना इन सभी चीजों को। ठीक है, पार्टनरशिप हो गया। पार्टनरशिप के बाद हम कर रहे होंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर करेंगे हम एलसीएम एससीएफ, फिर मेंसुरेशन, और यहां पर एक चैप्टर और है और जिसका नाम है अदर्स। ये चैप्टर कौन सा है भाई, ये चैप्टर वो है जो आप बताओगे। अगर आपको लगता है कि सर आपने ये जो मैथ्स के चैप्टर कराए हैं इसमें एक मेरा चैप्टर ये है जो मुझे लगता है सर सीआईएसएफ एग्जाम में आएगा और आपने सर इसमें लिखवाया नहीं, मिस हो गया, तो उसको आप बताओगे और मैं उसको अदर में डाल दूंगा। बातें क्लियर है?
अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर नहीं हो पाया तो आप मुझे बताना, मैं अदर में डाल दूंगा। मेरे हिसाब से मैंने आपको इसमें बेसिक बेसिक सारी चीजें बता दी हैं, बाकी आप बताओगे। क्लियर है? उसको हम अदर में ऐड कर देंगे, जरूर करेंगे ऐड। आप लोग बताओगे मुझे 25 नंबर मैथ्स के थे आपके, वो कवर हो गया, 25 आपके रीजनिंग के थे, वो कवर हो गया, 50 नंबर आपके बहुत अच्छे से कवर हो रहे होंगे। क्लियर है? आगे चले, अगर आपको किसी भी चीज में डाउट आ रहा है तो आप मुझसे डाउट में पूछेंगे, ठीक है? अगला देखते हैं। अगली चीज आती है आपकी जीएस, 25 नंबर की जीएस है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक आपको मैं इसका सीक्रेट बताऊं सिलेक्शन लेने का। इसका जो सिलेक्शन है ना वो केवल दो ही चीजों पर डिपेंड करता है। किस चीज पर? जीएस पर, ठीक है, और आपका जो हिंदी या इंग्लिश में से एक होगा। मैं तो कहता हूँ हिंदी इंग्लिश पर भी नहीं, केवल एक ही चीज पर डिपेंड करता है, जीएस पर। आपका सिलेक्शन केवल और केवल जीएस पर ही निर्भर करता है। कैसे करता है सर? रीजनिंग सारे बच्चे कर रहे होंगे, मैथ सारे बच्चे कर रहे होंगे, ठीक है, हिंदी आप लोगों ने ले रखी है हिंदी सभी कर रहे होंगे, इंग्लिश ले रखी है इंग्लिश सभी कर रहे होंगे, बच्चे फंस रहे होंगे जीएस में। जीएस एक समुंदर है, इस तरह आप समुंदर से 10 बाल्टियां ले लो तब भी कमी पड़ेगा, 20 ले लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही है। लेकिन फिर भी जीएस को हमने इतने अच्छे तरीके से डिजाइन करा है, चीजें ऐसे कराएंगे आपको, जो चीजें हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रही होंगी, ठीक है। हम जीएस में क्या क्या करेंगे? हिस्ट्री करेंगे, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में समझेंगे, एंशियंट, ठीक है, मेडिवल, मॉडर्न। हम पॉलिटी करेंगे, जनरल पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। ज्योग्राफी करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। अब मेरी एक बात आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, सर सिलेबस तो इतना सारा है। एक बात और मैं आपको बताऊं, ये जो सिलेबस है ना, ये मैंने इसको डिटेल में कर दिया है, इतना ज्यादा सिलेबस है नहीं ये। अगर मैं वही चीज आपको डायरेक्ट लिख देता कि हम हिस्ट्री करेंगे, पॉलिटी करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे, लो जी ये एक ही लाइन में कवर हो जाता। मैंने उसको आपको खोल के लिख देता कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए और आप इस चीज को एक बार कर दो, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा कराऊंगा, ठीक है। चीजें जो है, और कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको प्रोवाइड कराए जाए और बहुत अच्छे से समझाया जाए चीज आपको, ठीक है। जीएस में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कर रहे होंगे, ठीक है। फिर आपका आएगा क्या? सामान्य ज्ञान, हम साइंस करेंगे। इसमें आपकी फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी। देखिए ये जो साइंस का पोर्शन है ना, यहां से इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फिर भी हम इन चीजों को कवर करेंगे, कहीं ना कहीं एक अपना बेस अच्छा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे कि जीएस जैसे पोर्शन में भी आप 25 में से कम आप 20 स्कोर तो कर ही दो। जी हाँ, 20 स्कोर कर दो। किस तरह से कर दो? सर सातवें नंबर से, अभी बताऊंगा क्या है ये स्पेशल आपके लिए। छठे पर हम करंट अफेयर्स को करेंगे, ठीक है, सातवें पर अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सर ये अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, बड़े ध्यान से समझना। आर्ट एंड कल्चर, साइंटिफिक रिसर्च, नेबरिंग कंट्रीज, इंपॉर्टेंट डेज और स्पोर्ट्स, ये सारे वो टॉपिक है जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये टॉपिक है, ये कोई जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, वो एक चैप्टर है, ये आपका चैप्टर नहीं है, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। इन टॉपिक से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये हम डायरेक्ट आपको करेंगे। आर्ट एंड कल्चर डायरेक्ट करा रहे होंगे, साइंटिफिक रिसर्च डायरेक्ट, नेबरिंग कंट्रीज डायरेक्ट, इंपॉर्टेंट डेज डायरेक्ट, स्पोर्ट्स से डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपको लगता है सर कुछ चीज छूट रही है तो ये लो जी आठवां नंबर मैंने अदर डाल दिया। आप बताना कि सर ये चीज भी आप ऐड कर दीजिए, जीएस वाले में हमारी तैयारी और बेहतर तरीके से चलेगी, मैं जरूर ऐड करूंगा। क्लियर है? आपके हर तरह के सुझाव, हर तरह की चीजें मोस्ट वेलकम है पुलिसिया अकेडमी में, ठीक है। लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए, आपके फायदे के लिए होना चाहिए, ठीक है। बेफालतू का नहीं। जीएस का हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी चल रही होंगी। अगला आ जाता है आपका हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में चीजें कैसे चलेंगी? ग्रामर कराएंगे हम आपको, वोकैब कराएंगे, कॉम्प्रिहेंशन कराएंगे, इंग्लिश कराएंगे। ठीक है, हिंदी में वही चीजें, व्याकरण कराएंगे आपको, ठीक है, शब्दावली कराएंगे, समझ, ठीक है। एक्सपर्ट टीचर्स होंगे इसके, हिंदी जो है आपका वो मैं नहीं कराऊंगा, जो भी होंगे वो टीचर्स आपको कराएंगे, एक्सपर्ट होंगे अपने ही फील्ड में, जैसे मैंने आपको चीजें कराई हैं वैसे आपको हिंदी करा रहे होंगे और वो चीजें इंग्लिश होंगी, ठीक है। इंग्लिश तो इंग्लिश करेंगे और हिंदी करेंगे, इन चीजों को देखेंगे। ये भी आपका कितने नंबर का आता है? 25 नंबर का। अगर मैं इस पूरे को समराइज करूं और इस चीज को देखूं तो आपने भाई 25 नंबर की रीजनिंग करी हमसे, 25 की मैथ करी, 25 की आपने जीएस करी, 25 की इंग्लिश करी, टोटल आपके 100 नंबर हो गए। अब आप मुझे बताओ कितने नंबर का, कितने टाइम के लिए पेपर होगा आपका? 2 घंटे। क्या नेगेटिव मार्किंग है बताओ? देखो आपको बोलना है, आपने बोला आपके दिल की बात मुझ तक जरूर पहुंचेगी, समझ रहे? वो एक रिश्ता अपने को बनाना है कि हाँ भाई आपने जो चीज बोली मुझे फील होनी चाहिए, ठीक है। कितने नंबर का पेपर आएगा आपका? बहुत बढ़िया, 100 नंबर का। कितना टाइम होगा? 2 घंटे, ठीक है। क्या नेगेटिव मार्किंग है? नहीं है।
क्या टाइपिंग के नंबर जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। क्या टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर है? हाँ सर, क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, ये सारा क्लियर हुआ आपको हिंदी इंग्लिश का इस चीज का? ठीक है, कंप्लीट आपका जो सिलेबस का था वो हो गया। अब एक बार अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपको बता दूं 100 नंबर का है, और उस 100 नंबर में से स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मतलब कितना स्कोर करना चाहिए सर सेफ रहेगा, वो सारा अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है। मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीजें मैं आपको बताऊं कि आप 90+ ले आइए वो आपका सेफ स्कोर है, आप 80+ लाइए, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको चीजें सीखनी है। अभी आपके पास टाइम है, 2 महीने 3 महीने, आपको चीजें सीखना है। ठीक है, करेंगे ना प्रदर्शन, दिखाएंगे कि हमने कितना सीखा है, कितना दम है हमारे अंदर। जब आप रणभूमि में जाओगे, कहने का मतलब एग्जाम देने जाओगे, तब आप दिखा रहे होगे कि हमें कितना दम है, हमने कितना सीखा, अभी तो सीखो। ठीक है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना कि भाई 90 लाने हैं। होता क्या है प्रेशर का, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे 5 साल हो गए आपको, मतलब टीचिंग कराते हो, मुझे कम से कम 5 सालों का एक्सपीरियंस है। अगर मैं आपको ये बताऊं तो बच्चे गलतियां क्या करते हैं, आपने एक माइंडसेट कर लिया भाई सर मुझे 100 में से 100 नंबर लाने हैं। बहुत से बच्चे आउट ऑफ होता क्या है, एग्जाम में आप पेपर देने जाओगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, सारे हैं 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इतना टफ था आपने कहीं देखा नहीं और आपसे नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन टफ था आपने देखा नहीं आपसे नहीं हुआ, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन थे 98 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, आपसे हो रहे थे। लेकिन ये 2 क्वेश्चन गलत हो गए, आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी सर 2 गलत हो गए मतलब 98 रह गए यार, शिट, अब तो मैंने तो 100 में से 100 सोच रखा था, कैसे लेकर आऊंगा, कैसे करूंगा। तो वो आपका सारा जो जितने भी आपके 98 थे जो आपको आ रहे थे वो आप नहीं कर पाओगे, समझ पा रहे हो। बिल्कुल भी एक वो मत बनाओ कि मुझे 100 में से 90 चाहिए, ऐसी चाहिए। अरे अभी आपके ऊपर एक ही जिम्मेदारी होनी चाहिए, मुझे सीखना है, मुझे ये कॉन्सेप्ट सीखना है, मुझे ये टाइप सीखना है। आपके अंदर भी सीखने की ललक होनी चाहिए, एज अ स्टूडेंट आपको सीखना है। एग्जाम के 10 दिन बचेंगे, 15 दिन बचेंगे, तब हम स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे होंगे, पहले सीख तो लो चीजों को। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। सिलेबस मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया आपको, ठीक है, आगे क्या रहेगा, हमारी क्लासेस कैसे रहेंगी, शेड्यूल कैसे चलेगा, किस तरीके से रहेगा। तो आपके जो लेक्चर्स हैं वो आपके रहेंगे क्या, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे से फ्राइडे तक आपके डेली लेक्चर मिला करेंगे, आपको डेली लेक्चर मिलेंगे। देखिए 2 बातें हो जाती है, एक है कि मैं आपको लाइव पढ़ाऊं, बड़े ध्यान से समझना, और इसका भी डिसीजन आप ही लोगे, मैं डिसीजन नहीं लूंगा। आप बोलोगे सर हमें लाइव पढ़ाओ, मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे सर आप रिकॉर्डेड लेक्चर ही डालो, ये रिकॉर्डेड लेक्चर ही कराओ, जैसे ये वाला रिकॉर्डेड लेक्चर हो रहा है, लाइव नहीं है, पहला था तो मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड करके डालते हैं, ठीक है, ताकि कुछ दिक्कत होगी तो मैं उस चीज को एडिट वगैरह कर दूंगा, इसलिए रिकॉर्ड करा, मैं इसको भी लाइव कर रहे थे, सेटअप सारा रेडी है। देखो मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ, डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। लाइव सेशन में क्या होता है, लाइव सेशन में केवल एक ही फायदा है कि सर आपका कोई डाउट आया आप लिखोगे और मैं उस चीज को बता रहा हूँ। 2 घंटे का लेक्चर होगा, ठीक है, कम से कम अगर मेरे पास 5 डाउट भी आए लाइव सेशन में, बड़े ध्यान से समझना, डिसीजन आपको लेना है, मैं डिसीजन नहीं लूंगा। आपके टेलीग्राम ग्रुप में एक पोल कराया जाएगा, उसमें आप बताओगे लेक्चर लाइव चलना चाहिए रिकॉर्डेड चलना चाहिए। 2 घंटे का जो क्लास होगी, 5 क्वेश्चन भी अगर बच्चों ने पूछ लिए, मतलब क्वेश्चन तो हर एक बच्चा पूछेगा, अगर मैंने 5 के भी जवाब दिए और एक का जवाब देने में 2 मिनट लगते हैं तो 10 मिनट चले गए। मैंने 10 बच्चों के भी जवाब दिए, केवल 10 के, अब सोच लो आप में से 10 बच्चे कौन होंगे, उनके 10 के जवाब दिए, 2 मिनट के हिसाब से कितने 20 मिनट चले गए। कहने का मतलब लाइव लेक्चर में कुछ नहीं होता, लाइव लेक्चर में केवल आपका समय बर्बाद हो रहा होता है कहीं ना कहीं, अगर टीचर आपके लाइव लेक्चर को देखकर उस पर रिप्लाई करने लग गया तो। देखना आप बड़े बड़े चैनल्स हैं यूट्यूब पर, आप उसमें देखना, इसमें लाइव चलती होंगी चीजें, आप उन लाइव चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आधा टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है। आप बोलेंगे मैं आपको लाइव करा रहा हूँ, रिकॉर्डेड में क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर में देखो मेरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा होता है कि आपको चीजें समझ में आ जाती हैं। ब्लड रिलेशन मैंने आपको कराया, क्या आपको कहीं डाउट आया? बच्चों को मेरे पास फोन आते हैं, सर मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया, कल एक बच्चे का फोन आया था शाम को, सर मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया, बताया था स्टाफ ने कि प्रैक्टिस सेट लगाया और सर सारी चीजें मेरी हो रही है, टिप्स पर हो रही है, मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, चीजें स्टार्ट कराइए। ठीक है, तो वही है, रिकॉर्डेड चीजों में मैं आपको ऐसे करूंगा, डाउट नहीं आएगा आपका, डाउट आने ही नहीं दूंगा। इन केस आपका डाउट आता है तो आपके लिए पर्सनली मैंने जो ग्रुप बनाया है उसके उसमें मैं आपकी चैट ऑन करा दूंगा। ठीक है, ये रहा जी आपका डाउट ग्रुप, आपका डाउट ग्रुप कहाँ होगा? टेलीग्राम पर। ठीक है, जो आपका चैनल है उसमें चैट ऑन हो जाएंगी। ठीक है, और उन चैट्स को उसको आप, हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छे से देख रही होगी, आपके हर एक डाउट का आंसर देगी। आपको लगा कि सर ये वाला क्वेश्चन है,
प्रैक्टिस सेट में, जो हम प्रैक्टिस सेट आपको देंगे, आपको लगा कि सर ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला डाउट है, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट आ रहा है, आपने उसका फोटो खींचा, फोटो खींच के ग्रुप में डाल दिया, ग्रुप में डाला, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर उसका रिप्लाई आपको पूरी तरीके से सॉल्यूशन, 1 घंटा भी बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, टीम एक्टिव रहेगी आपके लिए पूरे 3 महीने तक, मैंने टीम को लगा रखा है स्पेशली कि आपके डाउट्स को देखेगी, कोई भी डाउट आया आपने उसमें डाला, उसका आंसर आपको मिलेगा विद डिटेल सॉल्यूशन। डिटेल सॉल्यूशन समझते हो, ये नहीं केवल उसका आंसर एबीसीडी आंसर है, डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेन करके मिलेगी चीजें पूरी कि ये इसका सॉल्यूशन है, क्लियर है। और मेरा जो दिल्ली पुलिस का बैच था, मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली पुलिस के बैच में जो मैंने डाउट बैच बनाया था, इतने अच्छे बच्चे, उनके स्कोर आ रखे 70, मतलब इतना टफ पेपर था कि बच्चों के 70 आने मुश्किल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, उसमें जो मेरे बच्चे उनके स्कोर आ रखे 60, 65, 70, इस तरीके से स्कोर कर रखा है उन्होंने, ठीक है। तो भाई अब फिजिकल की तैयारी में लगे हुए थे, फिजिकली कर रहे हैं, फिजिकल भी निकालेंगे वो, इतना टफ पेपर था, बच्चों के 50 क्रॉस नहीं हुए, आप लोगों ने दिया होगा 60 क्रॉस नहीं हो रहे होंगे, तो वहां एक वो 60 वाला लेवल एक काफी अच्छा लेवल था। अब वही देख लो दिल्ली पुलिस में, अगर आप सोच लेते सर मुझे 80 लाने हैं कट ऑफ, 80 आ रहे हैं किसी के, जिस किसी यूट्यूब चैनल को आप उठाकर देख लो, अगर वो कट ऑफ बोल दे के कट ऑफ 80 जाएगी आपकी, हर कोई बोल रहा है आपकी कट ऑफ 60 से कम जाएगी, क्यों? अगर आप, और यही टीचर्स मैं बोलूंगा नहीं, मतलब यही, मतलब आपको लोग जो गाइड करते हैं वो आपको यही बोलते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करो, कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ 85 प्लस जाएगी। आप देखना जो लोग आपको आज बोल रहे हैं कि आपकी कट ऑफ 60 जाएगी, वही लोग कल आपको बोल रहे थे कि जो कट ऑफ है 85 प्लस जाएगी। बच्चों के अंदर वो एक डर बना दिया, बच्चे ने 85 प्लस के हिसाब से पेपर करना शुरू कर दिया, उस हिसाब से तैयारी नहीं हो पाई, वही डिमोटिवेट हो जाता है। तो उस तरीके से नहीं जाना ना, हमें सिलेक्शन लेना है अपना। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, मेरी चीजों को समझोगे, मेरी बनाई हुई स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन होगा 100%। तो बहुत सिलेक्शन कराए, 100% होगा सिलेक्शन आपका, क्यों नहीं होगा? आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए सर 100 वैकेंसी है, 50 वैकेंसी है, 10 वैकेंसी, आपके लिए एक वैकेंसी बहुत है, समझ रहे हैं चीजों को? आपके साथ मैं एंड तक रहूंगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं करवा लेता, बशर्ते आप मेरे साथ अच्छे तरीके से जुड़े रहें, ठीक है, एज अ स्टूडेंट उससे जुड़े रहें, चीजों को समझे। क्या है अभी लेक्चर आपका हो गया मंडे से फ्राइडे, डाउट आता होगा, अगली चीज आपकी मॉक टेस्ट, लेक्चर मैंने बता दिया, ठीक है, मॉक टेस्ट होगा आपका, हर सैटरडे आपका मॉक टेस्ट हुआ करेगा, ये बात समझनी बहुत जरूरी है, एवरी सैटरडे आपका मॉक टेस्ट होगा, सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होगी, सैटरडे आपका मॉक होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको कहां मिलेगा? मॉक टेस्ट आपको मिलेगा ऐप पर, यह है मॉक टेस्ट, कहां मिलेगा? जो हमारा एप्लीकेशन है आप सारे उसमें इनरोल्ड हो, केवल पेड स्टूडेंट है उसमें, ठीक है, 2-3 क्लासरूम बने हुए हैं उसमें, आप सारे इनरोल्ड हो, ठीक है। मतलब हमने उसमें क्या करा है, 30-30 बच्चे, 40-40 बच्चे के हिसाब से उसमें, मतलब वो चीजें एड ऑन किए। मॉक टेस्ट जो है हमारा वो आपको ऐप पर मिलेगा, हर सैटरडे मिला करेगा। संडे को आपको क्या करना है? संडे को आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। देखो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपने पहले नहीं करी होंगी, मैं आपको पहली बार करवा रहा हूं, आपको चीजें नहीं लग रही होंगी, संडे को आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, बहुत जरूरी है। अभी अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपने उसमें फिनिशिंग नहीं लेकर आए तो क्या फायदा? आप पूरे हफ्ते पढ़ो, ठीक है, पूरे हफ्ते पढ़ो, सैटरडे को उस पूरे उस चीज का एक टेस्ट दे दो, देखो भाई मेरे 100 में से 40 बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं, संडे को उसका एनालिसिस करो, मैं करवाऊंगा, ठीक है। ये जो एनालिसिस है ये आपको यूट्यूब पर चला करेगा, ठीक है, स्पेशली आपको ही लेकर चलेगा यूट्यूब पर, यूट्यूब पर मैं इसका जो एनालिसिस कराऊंगा संडे को, वो एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ मेरे जो पेड स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे आप सारे बच्चे हो, आप ही को लेकर होगा, मैं एक एक बच्चे पर फोकस करूंगा। बहुत से बच्चे, आकाश है, कई बच्चे हैं, मतलब मुझे काफी वो हैं, तो मैं एक एक बच्चे से जुड़ा हुआ हूँ पर्सनली, आपके कॉन्टेक्ट नंबर्स है मेरे पास, मैं आपसे पर्सनली जुड़ूंगा, ठीक है। कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी चीज आती है, वो चीजें मैं आपको करा रहा, सेल्फ एनालिसिस आपको करना है संडे को, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपका एनालिसिस करूंगा, दिखाऊंगा कि कहां आप कमियां कर रहे हो, इस चीज में आप सुधार करो, इस चीज को आप बेहतर तरीके से करो, वो चीज आपको देखनी है। मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, डाउट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा हमारा, ठीक है, उस चीज को देखना है और समझेंगे। हाँ, थोड़ा और रोकना चाहूंगा, कल एक और बच्चे का मेरे पास फोन आया था, वो कह रहे कि सर मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया है कि बहुत तैयारी कर लिया आपने, अब आप जॉब करो, तो सर ये मेरे पास लास्ट चांस है, जी जान, मतलब बहुत से आपके मेरे पास वो क्वेश्चंस आते हैं, आप इस तरीके से बोलते हो तो मैं काफी ज्यादा भावुक हो जाता हूँ, ठीक है। तो मैं दिल से आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, अगर आप उस चीज में मेरा साथ देते हैं, आप पढ़ते हैं जी जान, दिन रात एक कर दो यार, ये 3 महीने आपसे कोई नहीं छीन सकता। मूवी देखिए ना, कौन सी, शाहरुख खान की, बताओ भाई,
कौन सी मूवी है वो शाहरुख खान की जिसमें वो हॉकी टीम होती है, चक दे इंडिया। चक दे इंडिया मूवी में, थोड़ा सा समय लूंगा, चक दे इंडिया मूवी में जब वो फाइनल मैच होता है उनका, तब उनका कोच जो शाहरुख खान ने रोल प्ले करा है वो उनपे जाते हैं टीम के पास और जाकर उनको गाइड करते हैं। केवल एक ही बात वो बोलते हैं, वो डायलॉग बता रहे, वो केवल एक ही चीज बोलते हैं, ये आई थिंक 70 मिनट ऐसी टाइम बोल कर बोलते हैं, ये टाइम आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। वही बात यहां लागू होती है, ये 3 महीने आपसे कोई नहीं छीन सकता, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके रिश्तेदार, ना आपकी सोसाइटी, ना आपके कोई टीचर, कोई नहीं छीन सकता। ये 3 महीने आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई आपसे जवाब नहीं मांगेगा आपने 3 महीने क्या किया क्या नहीं किया। इस 3 महीने के बाद अगर आपने रिजल्ट में अपना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया, सिलेक्शन नहीं लिया, फिर आपसे लोग जवाब मांगेंगे कि आपने ये 3 महीने क्या किया। अभी आपसे कोई जवाब नहीं मांगेगा, दिन रात एक कर दो, दिन रात एक कर दो, दोबारा बोल रहा हूँ, दिन रात एक कर दो, ठीक है। जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको मोटिवेट करूंगा, चीजें आपको दूंगा। एक बहुत गंदी आदत होती है ऑनलाइन टीचिंग में, क्या, वीडियो को स्किप करना। ये कोई यूट्यूब वाली वीडियो नहीं है कि आपने यहाँ स्किप की वहां चले गए, आपने चीजों को परचेज किया है, पैसा लगाया है, पैसा कमाओगे जब आपको पैसे की वैल्यू पता चलेगी, कीमत पता चलेगी। एक और वो है शायरी के, क्या है मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, वो कुछ इस तरीके से ही है कि हाँ जब पैसा कमाने लगे तब पता चला पैसे की कीमत, ऐसी कुछ है याद नहीं आ रहा। चलो वो चीजें भी बताएंगे आपको, चीजें बताएंगे, ठीक है। तो आपने पेड कोर्स परचेज किया है, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपने पैसा लगाया है, आपने चीजें लगाई है, बहुत बेहतरीन ढंग से चीजें करनी है आपको, ठीक है। जितना हो सकेगा उस तरीके से मैं आपको चीजें करा रहा हूंगा, काफी अच्छे तरीके से कराऊंगा। केवल ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी और ये पहला लेक्चर है, बिल्कुल मत समझना ये डेमो डेमो है ही नहीं यार। जिन बच्चों ने ये पहला लेक्चर नहीं लिया वो आगे किस तरीके से समझेंगे आपको डिटेल में चीजें, क्या आपको ये चीजें पता थी? डिटेल सिलेबस मैंने आपको बताया है, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। तो पहला लेक्चर था, क्या क्या चीजें आपको लेकर आनी है, क्या क्या चीजें आपको नोट डाउन करनी है वो आप लिख लीजिए। रीजनिंग की आपके पास अलग से रजिस्टर बनाओगे, एक मैथ का एक अलग से रजिस्टर बनाओगे, आप दो रजिस्टर हो गए आपके, ठीक है। जीएस का बेशक एक कंप्लीट मोटा सा रजिस्टर बना लेना, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश का एक अलग से रजिस्टर बनाओगे, 4 हो गए आपके रजिस्टर, पहली बात। दूसरी चीज, 4 आपके रजिस्टर हो गए, ठीक है। आप हर एक चीज का अलग से लिख रहे हो गए, पतले पतले से बना लेना, ये चीजें चल जाएंगी, ठीक है। और भी मैं कुछ आपको बताना चाह रहा था, रजिस्टर हो गए आपका, डाउट का हो गया जहां से आप डाउट क्लियर कर रहे होंगे, जहां से आप पढ़ रहे होंगे रीजनिंग मैथ्स वगैरह उसके आपके वो हो गए। अगली चीज आपकी, ये सारा हो गया, हाँ ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है, तैयारी हमारे साथ। चलिए, और ये आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर था, आगे से आपकी क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से दूं, आप उसको बहुत मेहनत करके इस चीज को करना, ठीक है। पर मैं शायद कुछ बता रहा था, मुझे माइंड में आ नहीं रहा है, चलिए आगे लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है। क्या बात थी, आ नहीं रहा है माइंड में, ये काफी अच्छे आपके लिए टाइम क्या होता, मैंने आपको बताया भी था अभी, आप देखोगे वीडियो में, मैंने बोला था कि आपके लिए कुछ है सरप्राइज, आपको एंड में बताऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोगों के लिए था कुछ, चलिए वो आगे लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं, पहला लेक्चर था हमारा, ऑफिशियल लेक्चर है। अगर कुछ टेक्निकली इश्यूज आ रहे हो साउंड के वो, तो उस चीज को इग्नोर करना। देखो आप समझदार बच्चे हो, मैं मानता हूँ आप बहुत समझदार हो, हमेशा ध्यान रखना भी, जो एक मेरे पापा बोलते हैं ये एक ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास में इतना पानी है, ठीक है। जो नेगेटिव बंदा होता है ना, जिसमें नकारात्मक सोच होती है, उसको हमेशा ये ग्लास इतना खाली दिखता है, बड़े ध्यान से समझना। जो सकारात्मक सोच वाला बच्चा होता है ना, उसको इस ग्लास में अगर इतना ही पानी है तो उसको इसमें भी पानी दिखेगा, वो ये नहीं बोलेगा ये ग्लास इतना खाली है, उसके लिए एक्सक्यूज है ही नहीं, वो कहीं ना कहीं से अपनी चीजें निकाल देगा, कर लेगा, ठीक है। चलिए ये सारी बातें बहुत हो गई, आज के में अगर मैं समरलाइज करूं तो पूरे तरीके से इसको बताऊं तो हमने समझा क्या, कि किस तरीके से आपका सिलेबस जो है वो सारी चीजें चलती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमने समझी कि हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या रहेगा, कोर्स अपना कैसे चलेगा, पूरी आपने CISF की नॉलेज ली, कैसा आपका पेपर है, क्या रहेगा, आपने देखा हमारा कोर्स कैसे चलेगा, दोनों चीजें मैंने आपको बताई है। वीडियो में कुछ डाउट हो इसको दोबारा देखना, कुछ
कुछ भी हो, कैसा भी हो, आप उस चीज को सजेस्ट करना। आपके पास एक कॉल भी आएगा, सभी के पास कॉल आएगा, इंक्वायरी कॉल आएगा, उसमें आप अपना फीडबैक वगैरह देखना। आई होप आपको चीजें पसंद आई। आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं आपसे। चलिए, टिल देन मेहनत करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। कोरोना है, बाहर ज्यादा मत निकलना, सेफ रहना। थैंक यू।